ठीक है, ऑल राइट गाइस, टुडेज टॉपिक इज टॉपिक नंबर 2, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर सिलेबस में दिया हुआ है लीगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल एंड डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स। तो ठीक है, तो यहाँ पर 7 क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2010 में पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज वन पार्टी बॉडी in an essentially one party country. The assembly was the congress and the congress was india. ek granville austin ka quote hai, I think isko hum likh bhi sakte hai bahut jagah pe apni tarike se. theek hai, the second hai ki constituent assembly occupied a peculiar position. It was created by agreement of british government, yet it was also an embodiment of the revolutionary spirit of india. It was not fully representative of the people, yet it represented all important parties and communities. ठीक है, the third है कि external and internal influences in framing of the Indian Constitution. तो influence क्या था, बाहर का और अंदर का. next है reconciliation of the alternative perspective कैसे हुआ है Constitution के अंदर. question number 5, गांधी अंबेडकर नेहरू का influence क्या था Constitution पे. फिर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर था इन द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स. फिर सोशल इनइक्वालिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कंसर्न ऑन सोशल इनइक्वालिटी. ठीक है, आगे चल सकते हैं अपन. देन है नेक्स्ट टॉपिक लीगेसी ऑफ ब्रिटिश राज. इसमें मार्क्सिस्ट लाइक इमैनुअल वॉलरस्टीन, उनका कहना है कि कॉलोनियलिज्म इज अ कंसेप्ट गिवन बाय मार्क्सिस्ट. अच्छा, कॉलोनियलिज्म मार्क्सिस्ट का कंसेप्ट है. ही हैज गिवन द कोर एंड पेरिफेरी मॉडल, रिलेशनशिप ऑफ अनइवन एक्सचेंज एंड अनइक्वल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट. तो ठीक है, मतलब ये ब्रिटिश का लीगेसी है ऐसा बोल रहे हैं ना वो, कि ब्रिटिश के कॉलोनियल की वजह से अभी करंट स्टेट ऑफ कंट्री ऐसा है. रविंद्रनाथ टैगोर है, व्हेन द ब्रिटिश विल लीव द कंट्री दे विल लीव बिहाइंड सो मच फिल्थ दैट इवन द जनरेशंस ऑफ इंडियन विल नॉट बी एबल टू क्लीन अप द मेस. ठीक है, फिर कंक्लूजन है, कॉलोनियल लीगेसी इज सच दैट इंडियन नेबरहुड इज टमल्टस एंड प्रिवेंटिंग द एशियन सेंचुरी फ्रॉम अशरिंग इन. इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है मेरे पास. सर वो जो कल आपने शेयर किया ना लास्ट में पीडीएफ जिसको हमने, उसमें अच्छे से दिए उन्होंने दे रखा है. चलो उसमें से करते हैं फिर, उसको ओपन कर लो एक बार सब लोग. हाँ, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग शुरू में. देखता हूँ मिलेगा मेरे को तो पीडीएफ. उसमें पेज नंबर 47 कल ही आपने शेयर किया. हेलो सर, भाई ग्रुप में एक मैसेज कर दो, पीडीएफ को लिंक कर दो एक बार. हेलो हेलो. हाँ हाँ बोलो भाई. सर सर बोल रहे थे क्या कि मेरा ऑप्शनल नहीं है सर ये, सर तो क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है मेरे लिए? सर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर ऑप्शनल नहीं है तो फिर ये पीएसआर का डिस्कशन है ना. या मतलब जो आप आज हम डिस्कस कर रहे हो पीएसआर के बारे में है, तो अगर आपको ऐसे ही मतलब सीखना है तो सीख सकते हो, बट ये स्किल थोड़ी ज्यादा काम आएगा, कमी होगा. मैंने उसको री फॉरवर्ड कर दिया. ठीक है ठीक है. वैसे स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हाँ यार, ये देखते कैसे स्क्रीन, मुझे तो यही नहीं पता. वो दिखाते हैं तब दिखता है. मुझे भी वैसे ही अभी ब्लैंक दिख रहा है. ऊपर करिए आप तो स्क्रॉल, तो आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा. अच्छा, उसमें एक एक आता है ना बॉक्स टाइप का ऊपर. हाँ, उसको क्लिक कीजिए एक बार, सिंगल क्लिक. हाँ सिंगल क्लिक किया लेकिन कुछ स्क्रीन तो दिखाई नहीं. फिर भी साइड में अभी व्हाइट, अभी व्हाइट चल रहा है ना. हाँ मेरे भी व्हाइट चल रहा है. व्हाइट नॉर्मल फोन की स्क्रीन आ गई जो मैं जनरली देखता हूँ, और वो जो पूरा का पूरा तो साइड में जैसे एप्पल में एक गोल गोल बिंदु नहीं होता जिसको क्लिक करें तो आइकन खुलते हैं, वैसे हो गया वो, जहाँ से बोल सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं अपने आप को.
आप ग्रुप में जाइए जिसमें ज्वाइन थे, उसमें ऊपर में लिख रखा होगा B2B P1 S2 टॉपिक 2 मेकिंग, जो भी दिख रहा है उसको क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद आपका माइक आएगा, यू आर लाइव या अनम्यूट। फिर अभी वैसे स्क्रीन दिख भी नहीं रहा है, उन्होंने बंद हो रखा है। हाँ ये सही है। हेलो दशरथ, एक बार पेज नंबर बोलना, कौन सा पेज नंबर खोलना है? 47 सर, 47। 47 जी, ठीक है, जाओ पढ़ लो यार कोई तो प्लीज। हाँ करता हूँ, शुरू करता हूँ मैं। पीडीएफ कहाँ पे है 47 पेज वाली? ग्रुप पे अभी अभी मैंने फॉरवर्ड किया है उसी को, अभी लेटेस्ट यही आया हुआ है, देखिएगा। मुझे तो यार कोई पीडीएफ नहीं दिख रही ग्रुप पे भी। ज्वाइन कर लो पहले, फिर दिखेगी आपको। पीएसआर एज वाला ग्रुप है ना, उसमें ज्वाइन कर लो आप एक बार। सर आप चैनल पे देख रहे हो, आप एक बार ग्रुप ज्वाइन करके देखिए। मैंने आपको ऐड कर दिया, देख लो। लेट्स कंटिन्यू, वो सर्च करेंगे, मिलेंगे फिर बोलेंगे। ठीक है दशरथ, पढ़ लो एक बार। हाँ वो मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने पढ़ने से पहले हम लोग पहले लेगेसी देखेंगे। तो इन्होंने सबसे पहला लेगेसी है कि बिपिन चंद्रा बैकग्राउंड देंगे कि कैसा लेगेसी रहा, कि किस कारण लेगेसी आया। तो उस काउज में देते हैं कि उन्होंने लिखा है चाइना से कंपेयर करते हुए, अनलाइक चाइना इंडिया डिडंट स्टार्ट विद क्लीन स्लेट, देयर वाज ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया। चाइना में रिवॉल्यूशन हुआ, उन्होंने सारा कुछ मिटा दिया, उसके बाद नया लिखा। हमारे पास सारा कुछ मिटाने, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, पॉलिटिकल सेटअप चेंज हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप तो ट्रांसफ़र किए, इंटरनल स्ट्रक्चर जो करते हो रहा, और ओवरऑल इट वाज अ ट्रांसफर ऑफ पावर, इंस्टीट्यूशंस भी हमारे बहुत सारे वहीं से आए हैं। इंडियन एलिट्स जो थे प्रीफर्ड फॉर लिबरल ऑर्डर ऑफ द वेस्ट, तो हमारे एलिट्स थे तो उन्होंने भी लिबरल ऑर्डर ऑफ द वेस्ट को अपनाया। इसको ग्राम्सियन पर्सपेक्टिव में एनालाइज करने वाले बोलते हैं कि ये तो ब्रिटिश का हेजेमोनी है, वो चलता आया, कंटिन्यू रह गया। स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि जो हमारे इंडियन एलिट्स थे ना, वो ओवर डेवलप्ड स्टेट्स को इसलिए प्रीफर किया क्योंकि वो प्रिविलेजेस उनको मिल रहे थे, तो ये उन पर आरोप लगाते हैं कि एलिट्स प्रीफर्ड विथ ओवर डेवलप्ड स्टेट ड्यू टू प्रिविलेजेस टू रूलिंग क्लास। और ओवर डेवलप्ड स्टेट का कंसेप्ट हमजा आलवी का है, स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट है। पार्ट्स ऑफ ब्रिटिश लेगेसी में अब देखेंगे सीधे, इन्होंने कंटेंट है इनका कि इकोनॉमी में, एजुकेशन में, जो भी है सब डायमेंशन में देखेंगे। तो इकोनॉमी में है कि इंडिया रिमेन्स सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केट फॉर फॉरन प्रोड्यूस, इंडिया इज स्टेट इन सेमी पेरिफेरी इन इंटरनेशनल इकोनॉमी, रीजनल इम्बैलेंस रहा, रूरल बैकवर्डनेस, रूरल पॉवर्टी, लैक ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, फेलुअर एंड लैंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर क्राइसिस, जो भी मतलब हम लोगों ने इनहेरिट किया फ्रॉम देम एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, वो सब लीगेसी है। अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट सर्विसेज ऑल्सो शो नो डिस्टिंक्ट ब्रेक फ्रॉम कॉलोनियल इकोनॉमी। सोसाइटी में क्या किया, तो पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेज, तो जो भी नेक्स्ट टॉपिक्स आएंगे ना आगे जाके, रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, रोल ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स, तो वहाँ पर भी बैकग्राउंड आता रहता है कि ड्यूरिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट ये था, वहीं से स्टार्ट होता है। मैनी प्रॉब्लम ड्यू टू डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कल्मिनेट कर गया डिविजन ऑफ द कंट्री से, पार्टीशन। अब पॉलिटिकल सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 बेस्ड ऑन साइमन कमीशन ओवर विच देयर वेयर एक्सट्रीम प्रोटेस्ट, तो साइमन कमीशन के आधार पे जो बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, और जिसके खिलाफ, साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था, उनका भी लेगेसी आया है। फिर 1935 वाला एक्ट का इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पे बहुत सारा इफेक्ट है, प्रभाव है, वो दिखता है कि इट वाज टू, असल में एक्चुअल में 1935 का एम था टू मेंटेन द होल्ड ऑफ राज, फीचर्स लाइक ऑर्डिनेंस
इमरजेंसी नेचर ऑफ फेडरेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर ये सब सब था, सब कंटिन्यू किया गया मोर और लेस उसी फॉर्म में। जेपी नारायण ने उन्होंने बोला राजनीति को लोक नीति से, राजशाही को लोकशाही से बदलें, वो कल सोशल वाला एस्पेक्ट में देख रहे थे। राजनीति उन्होंने 1935 एक्ट को बोला कि लोक नीति पब्लिक से जोड़ेंगे, पब्लिक का क्या है, ये है पार्टीलेस डेमोक्रेसी की भी बात करते थे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि वो 1935 को क्रिटिसाइज करते हुए बोलते हैं। ब्यूरोक्रेसी मैनिफेस्ट कॉलोनियल करेक्टर वो आज तक दिखता है, खास करके अलग कमेटी जो आगे 7 पॉइंट नंबर में लिख रखे उन्होंने कि उन्होंने बोल दिया डायरेक्ट, वर्क्स अंडर क्लोक ऑफ सेक्रेसी गिविंग राइज टू न्यू डिस्पॉट्स, प्रिवेंटिव डिटेंशन हैज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, इवन पंडित नेहरू प्रोमिस टू देर विल बी नो ब्लैक लॉ इन इंडिपेंडेंट इंडिया, लेकिन ये आयरोनिकली ये फंडामेंटल राइट्स में आ गया। कंटिन्यूटी ऑफ ऑफिशियल सेक्रेट्स एक्ट 1904 था, जिसको चेंज करते करते 1923 और इधर ले आए हैं, विच डाइल्यूट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, RTI इन 21st सेंचुरी इवन दैट इज डाइल्यूटेड कर दिया गया उनको, और 21st सेंचुरी में आया RTI, अलग कमेटी ने बोली दी सिविल सर्विसेज हैज कॉलोनियल माइंड सेट, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हैजंट चेंज, CRPC IPC, मतलब चेंज भी हुआ है तो मतलब मिनिस्कुल चेंज है, स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है, स्पिरिट में चेंज नहीं हुआ। एनी चेंज ड्यू टू सिविल सोसाइटी इन कोऑर्डिनेशन विद जुडिशरी जो हुआ है वो मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के आधार पर थोड़ा मोड़ा चेंज हुआ है, जैसे कि इनको कह रहे कि विक्टोरियन मोरालिटी इज कंटिन्यूड इन फॉर्म सेक्शन 377-497। तो विक्टोरियन मोरालिटी क्या है कि वो ब्रिटिश मोरालिटी है, ये विक्टोरिया के द्वारा बोला गया है कि वहाँ उनका जो था कि 377 इलीगल है, 497 इलीगल है, तो वो सब कंटिन्यू रह गया और अभी तक मैंने रिसेंटली रिमूव हुआ वो भी जुडिशरी के द्वारा, और वो बोल रहे हैं कि सिविल सोसाइटी या जुडिशरी मिलकर इनको रिमूव कर पाए, वो भी थोड़ा थोड़ा। एजुकेशन में है ब्रिटिश सिस्टम एम्ड एट प्रोड्यूसिंग क्लर्क, तो रोट लर्निंग अभी भी रख रखे हैं, रोट लर्निंग टू कर्व क्रिएटिविटी, उन्होंने क्रिएटिविटी को तो कर्व करने के लिए उन्होंने रोट लर्निंग लाया क्लर्क प्रोड्यूस करने के लिए, तो दोनों एजेंडा उनका अभी तक मोर और लेस चल रहा है। मैकॉले सिस्टम इज स्टिल कंटिन्यूइंग। फॉरेन पॉलिसी में देखेंगे तो पार्टीशन ऑफ सब कंटिनेंट, तो क्या लीगेसी रहे, वो तो साउथ एशिया लिस्ट इंटीग्रेटेड रीजनल ओनली आफ्टर वेस्ट एशिया, सेकंड नंबर पे इसको रखते हैं ये बार बार, मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया के बाद यही आता है जो कि लिस्ट इंटीग्रेटेड है। एलिट्स ब्राउट साउथ एशिया ऑन द ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर वार, ये बोलते हैं कि पाकिस्तानी एलिट्स और इंडियन एलिट्स उनको मजा आता है बिकॉज दे वॉन्टेड टू एंजॉय द स्टेटस, सो उन्होंने न्यूक्लियर प्रोलिफ्रेशन न्यूक्लियर पावर के लिए गए। सी राजा मोहन तो उन्होंने बोला कि जितना भी हमारा नेहरूज का पॉलिसी टूवर्ड्स नेवर रहा है, लॉर्ड कर्जन का पॉलिसी का एक्सटेंशन रहा है, ट्रीटी डिप्लोमेसी, तो हेंस डी नेवरहुड कंटिन्यू टू बिलीव दैट इंडिया हैज इंपीरियलिस्ट माइंडसेट, जिसमें कि जैसे कर्जन ने नेपाल के साथ, तिब्बत के साथ, भूटान के साथ जो ट्रीटी किया ना, उनको हम लोगों ने कंटिन्यू किया मोर और लेस चेंज करके थोड़ा सा, तो इसलिए बोलते कि लॉर्ड कर्जन वाला पॉलिसी, उसमें वो क्या थे, हेजेमोनिया थी, पावरफुल होते थे, विक्टोरियस होते थे, तो अपने हिसाब से TNC चेंज करते थे, सेट करते थे, उनको कंट्रोल करके हम लोगों ने मेनटेन रखा है, कोशिश किया है। तो सिराजा मोहन एक्चुअली नेहरू पॉलिसी पर फोकस करते, बाद में तो इनको काउंटर थी अल्टरनेटिव में गुजराल वगैरह आते रहेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर बोल रखे हैं इन्होंने, इनका कंक्लूजन में जाता है कि लीगेसी है, बहुत सारा नेगेटिव्स देखे गए हैं, और आई एम श्योर दैट ब्रिटिश विल लीव इंडिया वन डे, हाउएवर आई एम आल्सो श्योर दैट बिफोर लिविंग दे विल लीव सो मच डर्ट एंड फिल्थ दैट इट विल टेक जनरेशंस ऑफ इंडियन, मतलब टू टेक टू क्लीन इट, जो भी है। तो एक व्यू लिख रखा है इन्होंने, भावनी सेन गुप्ता का कि इंडियन स्टेट वॉज बॉर्न इन ट्रेजिडी कंट्राडिक्शंस, yet it dare to give itself a vibrant democracy with universal adult franchise, ये पॉजिटिव नोट पे ये कह सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर का वो था। और ये बोलेंगे कि ट्रेजरी कंट्राडिक्शन में तो बॉर्न किया है अमेरिका ने हमारे स्टेट, लेकिन उन्होंने एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और यूनिवर्सल UAF देख गया है। हाँ आगे करता हूँ, इसको समराइज करने में है कि लीगेसी में क्वेश्चन जब भी आते तो उसमें होगा कि बिपिन चंद्रा से स्टार्ट करेंगे कि वो उन्होंने क्या कहा कि क्लीन स्लेट नहीं था, फिर हम इकोनॉमी में देखेंगे, एजुकेशन में देखेंगे, फॉरेन पॉलिसी में देखेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम में देखेंगे, इंडियन सोसाइटी में देखेंगे, सब में ये डायमेंशंस ऐड करेंगे, और फिर लास्ट में रविन्द्रनाथ टैगोर का कह सकते हैं कि फिल्थ जमा करके गए हैं, और फिर भवनी सेन गुप्ता का बोल सकते हैं कि ये स्टिल वी अचीव्ड मेनी थिंग्स लाइक डेमोक्रेसी विद UAF एंड व्हाटएवर। इसके बाद आएगा मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशंस और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
इसमें है कि इसमें दो तीन क्वेश्चंस अराइज होते रहते हैं मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशंस में कि टू व्हाट एक्सटेंट द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट द जनरल विल ऑफ इंडियंस। तो जनरल विल जो रूसो का चल रहा था आइडिया, तो वो बोलते हैं कि हमारा क्या ये जनरल विल को रिफ्लेक्ट करता है। और दूसरा कॉन्टेक्स्ट आता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, तो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी भी देखेंगे और उसको जनरल इलेक्शन फर्स्ट जनरल इलेक्शन से कंपेयर करके देखते रहते हैं, और जो जनरल विल है वो भी देखेंगे कि ये स्टैंड किया है तो होगा। तो दोनों के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शंस है कि नहीं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये इस इश्यू को अराइज किए कौन था। तो इसको अराइज किया था चर्चिल ने। हाँ, इस इश्यू को राइज किया था चर्चिल ने। उन्होंने बोला था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन, और कांग्रेस को उन्होंने बोला, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को भी उन्होंने बोला कि असेंबली ब्राह्मिन्स है और कॉन्स्टिट्यूशन तो कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन है। असेंबली नाइदर इलेक्टेड बाई पीपल, दूसरा इसका क्रिटिसिज्म आता है कि असेंबली नाइदर इलेक्टेड बाई पीपल नॉर पीपल डिटरमाइंड इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, यानी कि पीपल का डायरेक्ट रोल नहीं था। अंबेडकर, उन्होंने एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिया था कि ही वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू बर्न द कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो ये तीनों जो स्टेटमेंट है ये टोन सेट करता है इस क्वेश्चन का, इस डिबेट का, और इसको बाद में काउंटर करेंगे हम लोग। उसके पहले देख लेते हैं कि वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे आया। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1922 में गांधी जी ने बोला कि स्वराज विल बी एक्सप्रेशन ऑफ इंडियन नोट गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश, तो बाद में देखा जाता है कि ये गिफ्ट ही था। 1934 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अडॉप्टेड किया रिजोल्यूशन दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूएएफ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब ये सब था एस्पिरेशंस, और प्रैक्टिस में यानी एक्चुअल सिनेरियो में क्या आया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज गिफ्ट ऑफ ब्रिटिशर्स, और कैबिनेट मिशन का था बेस्ड ऑन कैबिनेट मिशन प्लान अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो अप्रूवल दिया कैबिनेट मिशन को, मैंडेट दिया, उसके अकॉर्डिंग ये बना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, जैसे राज्यसभा मेंबर आज होते हैं। फिर प्रिंसली स्टेट्स वाले तो नॉमिनेटेड थे, और जिन्होंने भी वोट दिया जो वोटिंग राइट्स भी जो उस टाइम था डायरेक्ट में जो देते थे वो 5% था, और उनके द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को इलेक्ट करते थे। कॉन्स्टिट्यूशन नॉट पुट टू रेफरेंडम भी नहीं दिया गया बाद में कि इसको रेफरेंडम के थ्रू दिया जाए, जैसे कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद उसके लिए रेफरेंडम किया गया कि वेदर एक्सेप्टेबल और नॉट। सोशल रिप्रेजेंटेशन में देखिए तो ये भी क्रिटिसिज्म में जा रहा है कि 80% वेयर फ्रॉम अपर कास्ट, उसमें भी 25% वेयर ब्राह्मण्स। लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स हुआ है इवन इन फर्स्ट ईयर ही हो गया, 1951 में ही हो गया था, 9th शेड्यूल ऐड हो गया। तो ये सब है क्रिटिसिज्म में जा रहा है। फिर एक हेयर वांट्स टू से समथिंग, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन राइट टू इक्वलिटी एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन केस ऑफ यूसीसी पे डिबेट हुआ, राइट ऑफ इंडिविजुअल ऑफन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ राइट ऑफ कम्युनिटी, ये अभी भी दिखता है सबरीमाला में कि इंडिविजुअल और कम्युनिटी के राइट्स में कैसे कोऑर्डिनेशन किया जाए। लॉयर्स पैराडाइज इन कॉन्स्टिट्यूशन है, एवर्ट जेनिंग्स ने बोला था। तो ये सारे क्रिटिसिज्म है। अब हम लोग सबका काउंटर करेंगे कि यदि फैक्चुअली देखा जाए तो एवर आर्ग्यूमेंट्स आर फैक्चुअली करेक्ट, क्योंकि वो देख कर ही बोले हैं, स्टडी किए हैं, लेकिन स्टिल कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट्स विल ऑफ पीपल। तो विल ऑफ पीपल वाला, जनरल विल वाला मामला कैसे हैंडल करेंगे कि टाइम वॉज नॉट कंड्यूसिव टू होल्ड इलेक्शंस। केशवानंद भारती केस में लास्ट में उन्होंने बोल दिया कि वी द पीपल जो है वो करेक्ट है, कि उन्होंने ये पीपल का ही जनरल विल है, यानी कि ये विद द पीपल है। तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये ठीक है, जनरल विल का लफड़ा सोल्व। ग्रैनविल ऑस्टिन का स्टेटमेंट है कांग्रेस वाज इंडिया एंड इंडिया वाज कांग्रेस, तो ये इन्होंने विंस्टन चर्चिल को काउंटर किया प्रॉपरली, जो उन्होंने बोला था ब्राह्मिन्स और सोसाइटी कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि पार्टीज विच डिडंट गेट एनी सीट वेयर आल्सो एकोमोडेटेड टू रिप्रेजेंट ऑल सेक्शंस, जिसमें कि आप अम्बेडकर को रख सकते हैं
सावरकर नहीं, कोई और जो भी थे हिंदू विंग वाले थे उनको भी उन्होंने अकोमोडेट किया. मेजोरिटी ऑफ प्रोविजंस वेयर अडॉप्टेड बाई कंसेंसस रादर देन मेजोरिटी, तो ये भी एक पॉजिटिव नोट्स है ये, क्योंकि कंसेंसस बिल्ड होना ही एक अचीवमेंट है, तो उसको रेफरेंडम में रखे या ना रखे इट्स बेटर देन दैट. तो ठीक है, आफ्टर फर्स्ट जनरल इलेक्शन वी कैन सी द कंपोजिशन डिडंट चेंज मच. तो हम लोग फर्स्ट जनरल इलेक्शन 92 में जो देखे कि इसका जो पार्लियामेंट का जो कंपोजिशन था ज़्यादा चेंज नहीं किया. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रूव करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वैलिडिटी लेजिटिमेसी को, बिकॉज कि कहीं कहीं जो अभी नेपाल या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में कई बार होता है, या तो अफ्रीकन कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन जो लाया जाता है या रिफ्रेम किया जाता है उसके बाद वो पार्टी चुनाव हार जाती है, तो फिर उस पर सवाल या निशान उठते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था. नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर वेंकट चलैया जो बना 1999 में, तो फॉर उन्होंने बोला कि जो भी बोला कि बढ़िया चल रहा है, और जो भी चेंजेज उन्होंने रिकमेंड किए वो ओवरहॉलिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोला, उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन इज वर्किंग क्वाइट फाइन. उन्होंने छोटा छोटा चेंजेज इंटरनल चेंजेज रिकमेंड किए, जैसे कि गवर्नर को कैसे थोड़ा सा उन्होंने इंस्टीट्यूशन, अब गवर्नर को क्या होना चाहिए, सेंट्रल स्टेट रिलेशन में क्या होना चाहिए, पंचायत में क्या, फिर वो इलेक्शन रिफॉर्म में क्या, ये सब किया उन्होंने. ये सब बोला कि पार्लियामेंट्री सिस्टम इज वर्किंग वेल, जो भी है जुडिशियरी सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ओवरलैपिंग सब कुछ फाइन चल रहा है. तो उन्होंने ये लास्ट में उन्होंने मुहर लगा दिया कि इवन आफ्टर वर्किंग ऑफ 50 ईयर्स इट वॉज वर्किंग वेरी फाइन. तो ये हम लोगों ने काउंटर कर लिया. ग्रैनविल ऑस्टिन का एक स्टेटमेंट आता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन, नेशन इज एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन जो है बार बार यूज कर सकते हैं ग्रैनविल ऑस्टिन को, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट में बोल रहे होते हैं. प्रताप भानु मेहता भी पॉजिटिव नोट ही देंगे, बढ़िया से देते, अच्छा खासा देते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इट इज सैक्रोसैंक्ट, सैक्रोसैंक्ट है. कॉन्स्टिट्यूशन इज रिवॉल्यूशनरी है, रिवॉल्यूशन स्टार्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो कहते हैं कि और पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन तो हो गया, अब ये सोशल रिवॉल्यूशन चल रहा है, तो इसलिए रिवॉल्यूशनरी डॉक्यूमेंट है, इनेबलिंग डॉक्यूमेंट है. फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशन टू ट्रांसफॉर्म हाईली ट्रेडिशनल सोसाइटी इनटू मॉडर्न सोसाइटी. तो ये कह सकते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन का एक इनेबलिंग डॉक्यूमेंट है. फिर कि बेस्ड ऑन यूनिवर्सलिस्ट वैल्यूज लाइक लिबर्टी क्वालिटी फ्रेटर्निटी है, सिचुएटेड एट क्रॉस रोड ऑफ ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज. तो आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड हियर कि क्रॉस रोड ऑफ ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज क्या है. लाइक इंडियन कल्चर, आई थिंक वो यही कह रहा है कि हमने बहुत सारे वर्ल्ड वाइड जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको स्टडी करके हमने बहुत सारे वैल्यूज लिए वहां से, मतलब जो ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशंस है उनका यूटिलाइज करा हुआ अच्छे से. ओके okay, सही कह रहे, सही कह रहे, मतलब गेस है मेरा, पता नहीं बाकी लोगों. हाँ आई थिंक सही बोल रहे हो, यही उसका मोशन निकल के आ रहा है. हाँ फिर है कि लाइक इंडियन कल्चर, कल्चर की तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी सिंक्रेटिक है. सिंक्रेटिक मतलब सामंजस्य बिठाते हैं, कोऑर्डिनेशन, हारमोनियस कर, हारमोनी क्रिएट करते लाइक कल्चर. और इक्लेक्टिक भी है, उदार है, मस्त है, सब कुछ बढ़िया. प्रताप भानु मेहता ने इनको अच्छे से समराइज किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन. हेलो, हाँ तो आगे चलते सर, या इसको समराइज कीजिएगा. हेलो, हाँ सर, समराइज करेंगे या आगे चलें? एक बार पूरा ही समराइज कर लेता हूँ थोड़ा सा क्विक. हाँ ओके, अच्छा तो हम देख रहे थे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहले कर रहे हैं अपन ब्रिटिश लिगेसी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर. जैसे दशरथ ने पहले ही समराइज कर दिया था इंट्रोडक्शन में, विपिन चंद्रा को लिखेंगे अपन कि अनलाइक चाइना इंडिया डिड नॉट स्टार्ट विद अ क्लीन स्टेट. ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया था
एंड इंडियन इलाइट्स ने लिबरल ऑर्डर को प्रेफरेंस दे दिया। अच्छा, ग्राम्शियन पर्सपेक्टिव से कंटिन्यूटी है हेजेमोनी ऑफ ब्रिटिश, क्योंकि इलाइट्स ने प्रेफरेंस दे दिया ओवर डेवलप्ड स्टेट, जो हमजा अलवी वाला है, ठीक है। फिर ब्रिटिश लीगेसी कैसे कैसे दिखता है अपने को, तो इसमें हम डायमेंशन में अलग अलग करेंगे, इकोनॉमिक डायमेंशन, सोसाइटल, पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल फॉरेन पॉलिसी। तो इसमें इकोनॉमिक में क्या है, जो भी कोर पेरिफेरी मॉडल था तो वैसा का वैसा अभी भी चल रहा है, हम अभी भी रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं बहुत जगह पे, रीजनल इम्बैलेंस अभी भी है, रूरल पॉवर्टी है, इन्वेस्टमेंट कम है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम है, मतलब वही सारे एग्रीकल्चर सब कुछ डाल सकते हैं इसमें, इकोनॉमी सबको पता है। सोसाइटी में भी सिमिलर प्रॉब्लम्स अभी भी है, कास्ट डिवीजन है, रिलीजन डिवीजन है, इवन पॉलिटिकल सिस्टम्स अपन ने देखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। उसके अलावा जो ब्रिटिश राज के सब कुछ, मतलब सिविल सर्विसेज से लेके जुडिशरी, बहुत सारी चीज़ें अपन ने मॉडिफाई करी हुई है, तो वी कैन से कि पॉलिटिकल सिस्टम में भी वी आर यूजिंग द सेम थिंग। जेपी नारायण ने बोला है वी नीड टू रिप्लेस राजनीति बाय लोकनीति, तो ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा साउंडिंग वर्ड यूज कर सकते हैं अपन। ब्यूरोक्रेसी अभी भी कॉलोनियल कैरेक्टर का है, जैसे एग्जांपल ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट देख लो, अब रिप्लेस कर दिया आरटीआई एक्ट से। फिर अलग कमिटी ने बोला है कि सिविल सर्विस कॉलोनियल माइंडसेट, विक्टोरियन मोरालिटी का बोले हैं, जैसे सेक्शन 377, 497, ऐसे बहुत सारे होंगे अभी। एजुकेशन सिस्टम अभी भी वैसा ही है, मैक्यूलियन सिस्टम है, जिसमें क्लर्क प्रोड्यूस कर रहे थे, इंग्लिश मीडियम चल रहा है, अभी भी देखेंगे तो इंग्लिश मीडियम इज फार मोर प्रेफरेबल देन हिंदी, मराठी और एनी अदर मीडियम। फॉरेन पॉलिसी सी राजामन बोलते हैं कि नेहरूज पॉलिसी इज बेस्ड ऑन कर्जन्स पॉलिसी, साउथ एशिया लीस्ट इंटीग्रेटेड है। रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत अच्छा लाइन बोला है कि ब्रिटिश एक दिन चले जाएंगे बट दे विल लीव सो मच डर्ट एंड फिल्थ कि जनरेशंस ऑफ इंडियंस विल नॉट बी एबल टू क्लीन इट। तो ये था लीगेसी क्या है। एंड भवानी सेन गुप्ता का कुछ है कि इंडियन स्टेट वॉज बॉर्न इन ट्रेजेडी एंड कॉन्ट्रडिक्शंस yet it dared to give itself vibrant democracy with universal adult franchise. ठीक है, तो एक बार मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में है। कंटेक्स्ट क्या है इसमें, क्या ये रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं, सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता, ये डिबेट है इसका। इसको बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज करा, जैसे चर्चिल बोलते हैं कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन है, असेंबली ऑफ द ब्राह्मिन्स है, इट वॉज नीदर इलेक्टेड नॉर, अच्छा इलेक्टेड बाई पीपल नॉर डिटरमाइंड बाई, क्या बोल सकते हैं, हाँ, नॉर पीपल डिटरमाइंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। अम्बेडकर ने बोला कि आई विल बी द फर्स्ट वन टू बर्न द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर अपन को RSS वगैरह, जो मुस्लिम लीग, बाकी सबका स्टैंड पता ही है, नोबडी वाज हैप्पी विद द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे लोग नहीं थे। तो इवोल्यूशन देखते हैं अपन, तो 1920 में गांधी जी ने बोला कि स्वराज विल बी एक्सप्रेशन ऑफ इंडियन, नॉट गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। 1934 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसमें शायद एक और चीज बोल सकते हैं अपन, जो राइट्स की बात करी थी, राइट्स इक्वालिटी वगैरह, आई थिंक नेहरू रिपोर्ट भी हम मेंशन कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आई थी पाथ ब्रेकिंग। हाँ बिल्कुल ठीक है, 1928। मतलब यार एक चीज मतलब याद रख लो कि हिस्ट्री में अपन ने पढ़ा है ना, जहां जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ भी लिंकेज मिल रहा है वो डाल दो इसमें, मतलब जहां जहां पे लग रहा है इस टॉपिक के अंदर। याद आ रहा है क्या किसी को, लिख नोट डाउन कर ले क्या क्विकली। नेहरू रिपोर्ट आई थी विच एक्टेड एज की सभी लोग मिलकर अपना वो देखेंगे कि हमें कैसा नेहरू रिपोर्ट जो आया था ना, वो किसी पे चैलेंज पे आया था कि किसी ब्रिटिशर ने बोला था कि लॉर्ड बिर्कनहेड का चैलेंज था ना, वो लॉर्ड बिर्कनहेड कि तुम ऐसे ही बोल रहे हो, कुछ करवा नहीं सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते, तो नेहरू ने कहा था हम इकट्ठे होकर कर लेंगे।
मतलब नेहरू वाला, मोतीलाल नेहरू था ये। ठीक है, तो ये नेहरू रिपोर्ट आया था। इसमें क्या सबसे प्रोमिनेंट आइडिया थी, किसी को याद है क्या? आई थिंक दे वर आस्किंग फॉर डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस, फंडामेंटल राइट्स और वुमेन्स राइट्स, ये सब कुछ। और पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग करने की बात भी इसमें कही गई, सेक्युलरिज्म मतलब। ठीक है, और बताओ। अच्छा, और कोई प्रोमिनेंट आइडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीकर्सर बोला जा सकता है? आई थिंक फंडामेंटल राइट के बाद हुई थी। कौन सा सेशन? कराची सेशन के अंदर फंडामेंटल राइट के ऊपर एक रेजोल्यूशन आया था, अगर याद आ रहा हो आप लोगों को। 1931 था ना शायद वो। Exactly. कौन सा ईयर है वो? 1931। ठीक है, और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है कि इन 1938 जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इन्फ्लुएंस बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो ये सब था जो हुआ नहीं लास्ट, ये जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। ठीक है, दैट्स इट। और कुछ है जो प्रीकर्सर कह सकते हैं या आगे चले अपन? ठीक है, बाकी जो है वो ना जीएस बन जाता है, बाकी ये ठीक है। हमारा डिबेट का होता है कि जनरल विल उसके लेजिटिमेसी को जो काउंटर कर रहे होते हैं ना, उनके बेसिस पे पीएसआईआर में क्वेश्चन आ रहा होता है, तो ये हो गया। तो सर डिबेट्स पे है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर। आई थिंक हाँ सर, अब है डिबेट्स जो है कि पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कल देख रहे थे पर्सपेक्टिव में आईएनएम, आज देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो पर्सपेक्टिव के हिसाब से यहाँ पर जो नोट्स बन रखा है या बनाते हैं हम लोग, उस पर कि जो डिबेट्स हुए ना, थीम ऑफ द डिबेट्स, मेजर मेजर डिबेट्स, उन पे फोकस करके फिर देखेंगे कि उन डिबेट्स पर कौन कौन से आइडियोलॉजी वाले ने क्या क्या बोला। तो ये डिबेट्स बेस्ड नोट्स है और ऐसे ही चलेगा। जैसे कि पर्सपेक्टिव में देखते पहले कि नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम में, तो मॉडर्निस्ट, तो ये आइडियोलॉजी हो गया नेहरू का और अम्बेडकर की, वो मॉडर्निस्ट थे। तो मॉडर्निस्ट ने बोला कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल सिस्टम रखेंगे, डेमोक्रेसी। तो गांधी जी को कौन से में रखे, तो नहीं बोल सकते कि एनार्किस्ट उनार्किस्ट, यहाँ वो तो नॉर्मल आदमी, बढ़िया आदमी। तो उन्होंने बोला विलेज इकोनॉमी, जी विलेज रिपब्लिक है ना, राम राज्य। हाँ, तो और नेहरू और अम्बेडकर ने बोला मॉडर्निस्ट है। तो अम्बेडकर कहीं काउंटर कर रहे होते कि विलेज इज द डेन ऑफ कास्टिज्म, कुछ ऐसे करके। तो लास्ट में उनका चला मॉडर्निस्ट वॉन डिबेट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, अब फेडरेशन पे भी उन्होंने डिबेट किया, मेजर डिबेट रखा। उन्होंने हिंदू महासभा बोला लूज फेडरेशन रखो और यूनिट्स को ज़्यादा पावर दो, लेकिन नेहरू पटेल ने स्ट्रांग सेंटर का वकालत किया और नेहरू पटेल वॉन द डिबेट। तो यहाँ पर हिंदू महासभा का प्रोस्पेक्टिव बोल सकते हैं, राइट विंग हिंदू का है, और फिर इधर नेहरू पटेल को क्या कह सकते हैं कि इसमें कोई प्रोस्पेक्टिव नहीं आ रहा कि कौन से इसमें कौन प्रोस्पेक्टिव डाल सकते हैं। वी कैन गिव मुस्लिम लीग का जो आइडिया था, जैसे यूएसए में होता है ना एकदम ही लूज फेडरेशन, उनको भी वैसा ही चाहिए था जिन्ना वगैरह को। ओके, दे वांटेड फुल ऑटोनॉमी टू द स्टेट्स, फेडरल यूनिट, पावर स्टेट्स को मांगते थे ना। बट ठीक है, आई थिंक ये भी पुराना हो गया क्योंकि वो तो 1940s के पहले की बात है, उसके बाद तो उनको पाकिस्तान ही चाहिए था। फिर उन्होंने बोला कि नेचर वो एग्जीक्यूटिव कैसा रहेगा, तो ये क्या लिख रखा था उन्होंने, पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल, वैसे ही उन्होंने सिस्टम लिख रखा। हाँ, तो नेहरू ने पार्लियामेंट्री पे गया, हिंदू महासभा प्रेसिडेंशियल पे गया। असल में वो यूएस को फोकस कर करके वो भी बोल रहे थे हिंदू महासभा वाले। फिर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस में देखते तो मेंबर ऑफ माइनॉरिटीज कमिटी जो थे पोकिर साहिब, तो उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी, लेकिन पटेल और जीबी पंत, गोविंद वल्लभ पंत ने अपोज कर दिया। बोले सुसाइडल हो जाएगा, जिससे भाग रहे वही आ जाएगा। सुसाइडल इज वॉन्ट बी एबल टू इंटीग्रेट द नेशन, डिफरेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। और मेंबर ऑफ माइनॉरिटी लाइक बेगम, एजाज रसूल ने सेपरेट इलेक्टोरेट को अपोज किया। तो आप दोनों एक ही कम्युनिटी से देख रहे हैं, आप इसको याद रखें तो बेहतर रहेगा। फोकिर साहिब मांग रहे हैं, बेगम एजाज रसूल इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। यूसीसी पे पोकर साहिब ने फिर अपोज किया, स्मिता साही भी अपोज किए यूसीसी को, लेकिन हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर और के एम मुंशी फेवर किए।
ये डिबेट इस साल फिर से ये लाइव हो रखा था, तो इस पर कुछ बन सकता है सब। इस पर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बोलता है कि नाइदर रिक्वायर्ड नॉट डिजायरेबल। लॉन्गेस्ट डिबेट ऑन राइट टू प्रॉपर्टी है, जो रहा राइट टू प्रॉपर्टी पर लॉन्गेस्ट डिबेट हुआ, तो लास्ट में वो आया और फिर लास्ट में वो चला भी गया 1978 में। डीपीएसपी पे डिबेट आया, अंबेडकर, एनजी रंगा, जयपाल सिंह बोला कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड करो, लेकिन हुआ नहीं, वो चला गया उधर, डीपीएसपी बन गया। नेचर ऑफ जुडिशियरी में मेंबर सजेस्टेड अपॉइंटमेंट बाय जजेज ओनली सिंस टू कीप इंडिपेंडेंस। कुछ लोगों ने बोला कि अपॉइंटमेंट खुद जजेज अपॉइंटिंग जजेज करेंगे आज की तरह, लेकिन अंबेडकर का ये स्टेटमेंट बार बार आता है कि अंबेडकर बोलते रिफ्यूज दैट, नो इंपीरियम विथ इन इंपीरियम, मतलब साम्राज्य के अंदर साम्राज्य नहीं होना चाहिए, स्टेट विथ इन, नो स्टेट विथ इन स्टेट, मैंने खुद ही कर रहे, और एक्चुअली वो यही रहा। तो अंबेडकर का जो था कि नहीं, स्टेट विथ इन स्टेट नहीं होना चाहिए, हो रहा है, जजेज आर अपॉइंटिंग जजेज। गवर्नर के इंस्टीट्यूशन पे डॉक्टर पंडित ठाकुर दास भार्गव उसी समय चिंतित थे, उन्होंने बोला कि इलेबोरेट प्रोविजन ऑन द क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर किया जाए रादर देन लिविंग देम फॉर कन्वेंशन। तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला ठीक है, बढ़िया कन्वेंशन रहेगा और बाहर के लोग रहेंगे और पॉलिटिकली पॉलिटिकल से जो दूर रहेंगे, पॉलिटिकली डिसएंचेंटेड पीपल रहेंगे, रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और ठाकुर दास भार्गव सही साबित हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जितने भी डिबेट वेट ऊपर हुए हैं, इससे दिखता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है और मिक्स ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये है ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है, या तो फिर ऊपर से आप उनका लाइए प्रतापभानु मेहता का कि ये इनेबलिंग डॉक्यूमेंट है, ये सोशल रिवॉल्यूशन को लीड कर रहा है आफ्टर द पोल इंडिपेंडेंस। फिर आप जो क्रॉस रोड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, वर्ल्ड ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो, कि सारे कॉन्स्टिट्यूशंस का उन्होंने स्पिरिट ले रखा है, अंबेडकर ने भी बोला था कि आफ्टर रैनसैकिंग, तो जो सब था वो सब याद करके जो आता है लिखते जाओ, लास्ट में वही आएगा, बॉयल डाउन होगा। फिर उन्होंने आता है अंबेडकर का एक आता है, यदि कहीं आए कि कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उस पर लिख देंगे, क्योंकि देखो क्या, कॉन्स्टिट्यूशन इज वर्किंग इन एनवायरमेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशन डजेंट वर्क इन वैक्यूम। तो ये आ जाएगा ना सिस्टम अप्रोच वाला में, कि एक सिस्टम है, इनपुट आउटपुट फंक्शंस है और इन्वायरमेंट से अफेक्ट होता है, और उसके रिस्पेक्ट में अम्बेडकर का एक कोट है कि नो कॉन्स्टिट्यूशन इज परफेक्ट, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दोज हु रन द कॉन्स्टिट्यूशन। इस लाइन पे एक और कोटेशन है, मतलब बोल दूं क्या? हाँ हाँ, उसमें आंद्रे बैतली ये बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिकेट द डायरेक्शन इन वी हैव टू मूव, बट सोशल स्ट्रक्चर विल डिसाइड हाउ फार वी आर एबल टू मूव। समझ, ये पूरा एसेंस वही है जो आप बोल रहे हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो है बट ये सोशल स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा कितना आगे जा पाते हैं उसको लेकर। जी Can you please repeat? Yeah, a constitution may indicate the direction in which we have to move, but social structure will decide how far we will be able to move at and at what pace. ठीक है, ठीक है। आंद्रे बैतले बोलते हैं। अच्छा कोट है। ठीक है, और कोई कोर्ट या कुछ है क्या? अच्छा, एक और चीज मुझे याद आ रही है, आई थिंक इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में है, या प्रेसिडेंट रूल जो था ना अभी जम्मू कश्मीर लगा था, तो उसके बारे में शायद अंबेडकर बोलते हैं कि ये यूज नहीं होगा, दिस विल रिमेन अ डेड लेटर। हाँ, ये तो मोस्ट वोकल लेटर बन गया। हाँ, बट देन वो मोस्ट वोकल लेटर बनाए, ये चीज आई थिंक कहीं ना कहीं डिबेट है इसका भी, कहीं ना कहीं। हाँ, वो है सर, रोल ऑफ गवर्नर में। लेकिन ये फेडरेशन ना, यहाँ पर जो इश्यूज वहाँ पर डील किया गया है कि फेडरेशन में लूज फेडरेशन या स्ट्रॉन्ग फेडरेशन होगा, तो हम लोग ने नेचर ऑफ फेडरेशन को देखा है, एक्चुअली जो है ना डेड लेटर वोकल लेटर, वो थोड़ा वर्किंग ऑफ वन आर्टिकल पे चला गया। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा मतलब नैरो हो गया। हाँ,
ठीक है, बट आई थिंक और भी इनका वैसे अगर हमारे दिमाग में पॉइंट्स रहेंगे ना तो अच्छा वो है, याद तो आते, वो याद आते रहते हैं जहाँ तक, मतलब अगर कुछ याद नहीं आया तो एटलीस्ट होना चाहिए कि भाई चलो ठीक है ये रिवाइज हो गया आपकी डेड लेटर वर्सेस वोकल लेटर, या फिर डेड लेटर वर्सेस, कई लोग तो बोल रहे थे कि भाई होना ही नहीं चाहिए, देयर वर सम पीपल जो बोल रहे थे कि भाई होना ही नहीं चाहिए, क्यों चाहिए इमरजेंसी प्रोविजंस जी। ठीक है, एजेंडा तो आज का यहीं पर फिनिश है, तो इस हिसाब से भी आगे बढ़े तो आगे का भी कर लेते हैं फिर, या साइलेंट फीचर्स वगैरह थोड़ा बहुत, हाँ प्रीएम्बल तो कर ही लेते हैं एटलीस्ट। अच्छा एक कॉन्स्टिट्यूशनल, लेट मी फोकस, एक एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, मोरालिटी तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाला डिबेट भी न्यूज में रहता है, तो एक दो साल पहले ये न्यूज में था, खास करके सबरीमाला जो वर्डिक्ट आया था दो तीन चार साल पहले, तो उसके हिसाब से ये डिबेट में आ गया था, नीचे है ना नीचे, हाँ उसी को बोल रहा हूँ नीचे, पहले एक बार साइलेंट फीचर्स पढ़ लो ना ऊपर वाले, आपने छोड़ा शायद कुछ, हाँ उसको स्किप किया क्योंकि वो ना इससे जुड़ रहा था कॉन्स्टिट्यूशन से मोरालिटी से। चलिए ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, मैं पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, पहला टॉपिक हो गया ना अपना मोरालिटी डाल देते उसमें सर, मोरालिटी शायद उसी में जाएगा, इन्होंने अपने हिसाब से मोरालिटी डाल के बना दिया। मोरालिटी है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, मेरे पास भी कहीं था, रुकिए मैं बोल रहा हूँ इसमें, अंबेडकर ने ही डिबेट दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट ही होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाला कॉन्टेक्स्ट कि अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बोला था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म शुड नॉट बी थ्रू डायरेक्ट एक्शन रादर बाय मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस मोर स्ट्रॉन्गर, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है उसको स्ट्रॉन्गर बनाना है, डायरेक्ट एक्शन के थ्रू नहीं लेना है। उनका स्पीच का कॉन्टेक्स्ट था कि इन फ्यूचर इंडिया देयर शुड बी नो स्पेस फॉर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स लाइक नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, वो गांधी के जी के एनार्किक मेथड से वो फियर कर रहे थे कि यदि इंडिपेंडेंट इंडिया में रहा तो गड़बड़ा देगा ये सब चीज़ें, तो ही ऑल्सो वार्न दैट वंस द ब्रिटिश लीव द कंट्री वी विल नॉट हैव एनी वन एल्स एक्सपेक्ट आवर सेल्फ टू ब्लेम फॉर आवर फेल्यूअर्स, तो यदि ये कुछ भी फेल्यूअर होता है तो हम लोग ये नहीं बोले ब्रिटिशर्स ने किया, उन्होंने वो किया, अदरवाइज वी वुड हैव सक्सीड, हम ही को बोलना पड़ेगा कि वी हैव फेल्ड। तो उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी सीन मोर एज एन एडवर्ब देन एज नाउन, तो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो ऐसे नहीं चलना है, एडवर्ब है कि कैसा चल रहा है, कितना स्पीड से चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, खराब चल रहा है, उसका पेस जो है बढ़िया खराब, ये देखेंगे एडवर्ब की तरह देखेंगे, नॉट एज ए नाउन की एक बैठा है बस, है तो है, चेंज ही नहीं हो रहा कुछ, ठीक है। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन विल सर्वाइव ओनली व्हेन पीपुल अधेयर टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को सैक्रोसैंक्ट बना रहे, जो प्रधान भानु मेहता बोलते हैं ना सैक्रोसैंक्ट था, तो इनमें इन्होंने इनका आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी था जॉर्ज ग्रोट से आया था, जॉर्ज जी ओ आर जी ग्रोट जी आर ओ टी ई ग्रोटे, उन्होंने लिखा था कि ग्रोटे ने लिखा था कि बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वी मीन ए पारामाउंट रेवरेंस फॉर द फॉर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म्स है उसके लिए हमारे पास पारामाउंट रेवरेंस होना चाहिए, सर्वोच्च आदर, मैंने उस पर कोई डाउट नहीं। कहां से बता रहे आप ये? ये हमारे नोट्स में है सर, इसका अच्छा। मैं आप इसका करके एक बार नहीं एक काम करते ना, एक बार जो ये जो नोट्स है ना आयुष सर वाले इसमें से कर लेते हैं, फिर जो आपके इसमें जो भी मिसिंग है वो आप स्क्रीनशॉट डाल देना बाद में, ये ज्यादा सही है, उधर मिस कर रहा था, सही कह रहे आप। हाँ तो यहाँ पर है अंबेडकर का वो कॉन्टेक्स्ट आ गया कि वी शुड कॉन्स्टिट्यूशनली शुड नॉट बी थ्रू डायरेक्ट एक्शन, जो कि एनसीएम है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस है, ये सब नहीं होना चाहिए, रादर बाय मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस मोर स्ट्रॉन्गर, हम लोग इसको इंस्टीट्यूशंस को इतने अच्छे मजबूत बना ले कि उसको की जरूरत ही ना रहे डायरेक्ट एक्शन लेने की, भूख हड़ताल करने की। प्रताप भानु मेहता बोलते हैं आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कैन बी अंडरस्टूड बाई अम्बेडकर स्पीच गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जिन्होंने असेंबली में उन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज व्हाट इंड्योर्स कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ही है जो कॉन्स्टिट्यूशन को टिकाता है, तो वो आया कहाँ से आइडिया था अम्बेडकर के पास से, आया था जॉर्ज ग्रोट्स से, उन्होंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन बचता है सर्वाइव इसलिए करता है क्योंकि अधेरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इसमें उन्होंने बोला पैरामाउंट रेवरेंस देना कॉन्स्टिट्यूशन को, दैट्स इट, कॉन्स्टिट्यूशन है तो रेस्पेक्ट दो, दैट्स इट, क्या है वो बाद में देखेंगे, उसके वैलिडिटी लेजिटिमेसी पे नहीं जाना। अम्बेडकर क्लैरिफाइड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नीड्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम,
सब्सटेंटिव मोरलिटी और आइडियल्स फाउंड इन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो सब्सटेंटिव मोरलिटी और आइडियल्स फाउंड इन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, कन्वेंशंस और द नॉर्म्स, के गवर्नर कैसे इंस्टीट्यूट होंगे, वी शुड गिव इंश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये सब इंटरनल उनका है, स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर का ये मोरलिटी है। लेकिन हमें ओवरऑल देखना है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज पैरामाउंट, जो लिखा है उस पर नहीं जाना। इट इज अधेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नीड टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स फॉर द सेक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए फॉलो करना है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, उसको अधेयर करना, यही धर्म की तरह। वाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी हैज इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया, इंडिया में क्यों रोल है, तो भाई ग्रामर ऑफ एनार्की स्पीच जो उन्होंने दिया था विथ रेस्पेक्ट टू गांधी जी, तो ड्यू टू दिस यूनिटी सेल्फ इंटरेस्ट ओवर कलेक्टिव इंटरेस्ट प्रिवेल कर जाता है, वी मे लूज इंडिपेंडेंस अगेन। तो ये ही वॉज वार्निंग दे रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी के कॉन्सेप्ट के थ्रू कि ये सब चीज़ें अब नहीं होनी चाहिए, ग्रामर ऑफ एनार्की अब मत करो, आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी लाओ उसके काउंटर में और उसको अधेयर करना, कॉन्स्टिट्यूशन इज पैरामाउंट। इंडिया इज डाइवर्स एंड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स ओनली लाना है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कांट बी सस्टेन, तो ये इन्होंने पेरियार ने भी बोला था। अगेंस्ट हीरो वर्शिप, तो ये भी यहाँ पर गांधी जी को टारगेट करके बोले थे, लेकिन हम लोग नहीं लिखेंगे, बट वो ही वॉज अगेंस्ट गांधी हीरो वर्शिप। डेमोक्रेसी टॉप्स वाइल इन इंडिया बेसिक नेचर इज अनडेमोक्रेटिक, तो इन्होंने बोला था कि जो चूंकि डेमोक्रेसी इज द टॉप्स वाइल है, ऊपर से डेकोरेशन है, बेसिक स्ट्रक्चर अभी भी अनडेमोक्रेटिक है, इसलिए इन्होंने ग्राम ऑफ एनार्की को हटा दिया। डेमोक्रेसी हैज़ टू बी नर्सर्ड, तो इन्होंने एक चीज़ अच्छी बात है कि डेमोक्रेसी आएगा नहीं, और आज के दिन में ही बोला जाता है कि किन्हीं ने बोला था, भूल गया, जो बिडेन बोल रखा कि किन्होंने, कि डेमोक्रेसी हैज़ टू बी रिन्यूड, ये रहेगा नहीं कि बस है तो टेकन फॉर ग्रांटेड है, डेमोक्रेसी तो है, इट है, तो अम्बेडकर ने बोला हैज़ टू बी नर्सर्ड, और आज भी बोलता है कि इट हैज़ टू बी रिन्यूड, रीइनविगोरेटेड। तो बिलीव्ड इन प्लुरलिज्म ऑफ डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन रादर देन दैट ऑफ आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी से ऊपर उठकर बिलीव कीजिए प्लुरलिज्म में, टॉलरेंस, ये सब उनका की पॉइंट था। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक नहीं हो सकता, हीरो वर्शिप हटाइए, टॉप सॉइल है, बेसिक स्ट्रक्चर अनडेमोक्रेटिक है, नर्सर करना डेमोक्रेसी को, और प्लुरलिज्म ऑफ द डिफरेंस। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी कैन बी कंपेयर टू रॉल्स कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग कंसेंसस इन स्टेट ऑफ पॉलिटिकल प्लुरलिज्म, तो इंडिया इज अ लैंड ऑफ पॉलिटिकल प्लुरलिज्म, तो रॉल्स कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग कंसेंसस को तो अप्लाई कर सकते हैं। ऑस्टिन साहब बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल रिवोल्यूशन, इट्स एम इज टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी इनटू मॉडर्न। कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन एंड दस सो फार कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट नेशन एग्जिस्ट, इसी कॉन्टेक्स्ट में इनका स्टेटमेंट फिक्स होता है, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करेगा नेशन एग्जिस्ट करेगा, इफ कॉन्स्टिट्यूशन पेरिसेज नेशन पेरिसेज। अम्बेडकर बोले कहना कि एनी कॉन्स्टिट्यूशन कैन बिकम गुड इफ पोलिटिकल पार्टीज गिव प्रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ओवर नैरो इंटरेस्ट, तो यदि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रिफर करती है पार्टी, पोलिटिकल पार्टीज, तो वो प्रिवेल करेगा, और यदि नैरो इंटरेस्ट पे वर्क करके उसको यदि सबवर्ट करता है, स्पिरिट को किल करता है, तो वो नहीं करेगा। इसको हम लोग 42nd अमेंडमेंट के थ्रू देख सकते हैं कि वहाँ पर उन्होंने स्पिरिट को किल करने की कोशिश किया था, ओवरहॉलिंग करने का, तो पार्टी पॉलिटिक्स का वो एजेंडा था। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज द ओनली वे टू अवॉइड स्लेवरी एंड रिवोल्यूशन, तो ये यहाँ पर इनका रिवोल्यूशन का मतलब वायलेंट रिवोल्यूशन और स्लेवरी, तो वो तो है, तो ये दोनों का एक तरीका है। बाकी चीज़ें यहाँ पर अब इसमें ऐड करता हूँ कि अंबेडकर ने, नहीं अंबेडकर का नहीं, उनका हो गया कंप्लीट। एक और लाइन है इसमें नीचे, एक बार वो पढ़ लेना, अच्छा है, नेक्स्ट पेज पे है। हाँ सही करे, माइकल किर्बी एंड रमेश ठाकुर इन एन आर्टिकल बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज द मॉडर्न पोलिटिकल इक्विवेलेंट ऑफ राजधर्म, the ancient Hindu concept that integrates religion, duty, responsibility and law. तो हमारा जो है कि constitution is a modern political राजधर्म का वो आधार है, उनका equivalent है आज के समय में, और ancient Hindu concept क्या था, जो कि इन्होंने integrate करते थे धर्म को, कर्तव्य को, जिम्मेदारी को और कानून, religion, duty, responsibility and law को,
तो सबको एसिमिलेट करते, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो रमेश ठाकुर और माइकल किर्बी का है तो कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ से भी जाएगा। और इसको मैं समराइज कर लूँ एक बार? जी सर, बाकी लोग बताओ समराइज कर लूँ कि जरूरत नहीं है? कर दीजिए सर, कर दीजिए। ठीक है, तो टॉपिक था कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी। इंट्रोडक्शन में अंबेडकर डालेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म शुड नॉट बी डन थ्रू डायरेक्ट एक्शन। तो मतलब प्रोटेस्ट वगैरह सब कुछ करना डायरेक्ट एक्शन से नहीं करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से होना चाहिए। फिर प्रताप भानु मेहता बोलते हैं कि जो आइडिया है उसको समझने के लिए अंबेडकर के स्पीच देखना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज वॉट इंडियर्स कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन सर्वाइव बिकॉज ऑफ अधेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन। फिर क्या है, ग्रामर ऑफ एनआरके जो स्पीच है वो कोट कर सकते हैं अपन, क्योंकि डिसयूनिटी है, सेल्फ इंटरेस्ट है ओवर कलेक्टिव इंटरेस्ट, हम लोग इंडिपेंडेंट लूज कर सकते हैं, दैट इज वेयर दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट। इसे नीचे बोला है ना कि इट इज इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड स्लेवरी एंड टू अवॉइड रिवोल्यूशन। फिर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, हीरो वर्शिप के अगेंस्ट है वो। डेमोक्रेसी इज ओनली टॉप सॉइल, बेसिक स्ट्रक्चर इज अनडेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी को नर्चर करना पड़ता है। फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को कंपेयर कर सकते हैं रॉल्स आइडिया ऑफ ओवरलैपिंग कंसेंसस, जिसमें अलग अलग डाइवर्स लोगों को इकट्ठा रहने के लिए तरीका बताता है, पॉलिटिकल प्लुरलिज्म। ठीक है, फिर ग्रैनविल ऑस्टिन बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल रिवोल्यूशन, इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी इनटू मॉडर्न वन, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट नेशन एग्जिस्ट। एंड माइकल किर्बी एंड रमेश ठाकुर ने बोला है कि मॉडर्न इक्विवेलेंट ऑफ राजधर्म है ये, जो एंशियंट हिंदू फिलोसॉफी है जिसमें इंटीग्रेट करा है रिलीजन, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लॉ। ठीक, हाँ, अब सेकुलरिज्म पे जा सकते हैं यदि इसको एंड करते हैं। तो ये टॉपिक गया आज का, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। तो उसके ऊपर नया शुरू हो जाएगा, सालियंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत बड़ा। हाँ, है कहाँ बड़ा, एक दो ही दिखाई दो, एक्चुअली सर ये टॉपिक सिलेबस में देखेंगे ना तो इसमें प्रीएम्बल, डीपीएसपी, एफडी, एफआर सब आएगा ना। अच्छा ठीक है, चलो जितना हो रहा है उतना कर लेते हैं अभी आधा घंटा, और क्या बोलते तुम लोग? हाँ ठीक, इसी पीडीएफ को पढ़ते हैं, जितना भी हो रहा है उतना करते हैं ऊपर वाले से। हाँ, एक दो टॉपिक तो हो ही जाएंगे, प्रीएम्बल और सेक्युलरिज्म टाइप। प्रीएम्बल पढ़ूं? हाँ हाँ पढ़ लो पढ़ लो, पेज नंबर 52 पे है ना। हाँ, साइलेंट फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रीएम्बल है उसका, एक साइलेंट फीचर है, ऐसे वो लेंदी, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल वो सब भी है। चलो ठीक है, पढ़ लो आप, चलो पढ़ लो। हाँ, पहले तो इंट्रोडक्शन में है कि प्रीएम्बल इज इटसेल्फ एन इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हर लॉ का एक होता है, उसी प्रकार इनका भी होता है। एक्सप्लेन करता है एम एंड ऑब्जेक्टिव को ऑफ लॉ रिटेन इन टेक्निकल लैंग्वेज, क्योंकि लॉ जो होता है टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा होता है, तो शुरू में एक्सप्लेन करता है उसका एम एंड ऑब्जेक्टिव। फिर है ये प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ प्रीएम्बल डोंट मेक एनी डिफरेंसेज, यदि ये लॉ के ये बाहर होता है, चूँकि लॉ जो बनता है तो ये प्रीफेस रहे या नहीं रहे उससे लॉ पर कोई असर नहीं, उनके इसेंस पर असर नहीं पड़ता। और यहीं से ये उठ के आ जाता है, डिबेट बाद में होगा कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और सुप्रीम कोर्ट एंट्री मारेंगे और यूएस के हिसाब से देखेंगे। वैसे टेक्निकली नहीं डालता है सर, क्योंकि वो पार्ट है ही नहीं, तो जाएगा कहाँ अंदर। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अब डिबेट शुरू हो चुका है, तो शुरू में ही हो गया डिबेट, बेरुबारी जजमेंट 1960 में, प्रीएम्बल नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोड यूएस प्रिंसिपल, चूँकि यूएस में नहीं था पार्ट, टेक्निकली भी ये नहीं होता है, तो उन्होंने शुरू में बोल दिया नहीं। केशवानंद भारती
अब ये लार्जर स्कोप देखते हैं, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को होलिस्टिक मैनर में देखेंगे, तो बोल रहे हैं कि प्रीएम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइडियल्स इन प्रीएम्बल कंटेन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके आइडियल्स को बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया और इंटीग्रल पार्ट बना दिया, इसे चेंज क्या हुआ? चेंज होगा कि जो पार्ट है तो अमेंडमेंट होगा, चूँकि ये मुद्दा इसीलिए उठा था कि अमेंड होगा कि नहीं, तो उन्होंने कहा बोल दिया इंटीग्रल पार्ट तो अमेंड होना शुरू हो गया। प्रीएम्बल ब्राउट बाय असेंबली एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रीएम्बल तो जो था कि असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा लाया गया एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट टू प्रीएम्बल आर्टिकल 368 में डिस्क्राइब प्रोविजन फॉर अमेंडमेंट प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल इज पार्ट नॉट प्रोविजन, ऊपर में लिखा हुआ अमेंडमेंट प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रीएम्बल पार्ट तो है लेकिन प्रोविजन नहीं, उसका अंदर का हिस्सा नहीं है। केस वन एंड केस ने बोला इवन देन कैन बी अमेंडेड, तो इन्होंने तो इनोवेशन ही कर दिया ऑल टुगेदर, तो अब तो अमेंड होगा तो होगा। तो उन्होंने बोला आप बताते हैं कि कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हुआ, तो क्यों? क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन के कारण, केशवानंद भारती केस का बहुत सारे इनोवेशन कर दिए उन्होंने, बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया, फिर यहाँ भी क्रिएटिव कर दिए कि चलो ये पार्ट है तो है, हम बोले प्रीएम्बल इन यूएस वॉक्स बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल इन इंडिया वॉक्स अलोंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेटमेंट जजमेंट का ही है। प्रीएम्बल वॉज पास्ड इन द लास्ट, अब ये पास्ट हुआ था लास्ट में, टू मेंटेन हारमोनी इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रीएम्बल, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का ये था, शुरू में शायद पेश हुआ था लेकिन पास हुआ था बाद में, ताकि उसमें जो चेंजेज हो कॉन्स्टिट्यूशन या जो डॉक्यूमेंट जब रेडी हो गया तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को उसी के हिसाब से पास किया गया। सिंस इनकन्सिस्टेंसी में इमर्ज ड्यू टू अमेंडमेंट प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड, तो अब इन्होंने इनोवेशन जो अपने क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसका आधार बनाया कि जैसे उस समय लास्ट में पेश इसलिए हुआ पास ताकि उससे हारमोनी बना रहे, उसी प्रकार चूंकि आज इतने सारे अमेंडमेंट हो रहे हैं तो इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगा, तो करस्पोंडिंगली यदि बेसिक स्ट्रक्चर मानते हुए पॉजिटिवली इसको अमेंड किया जाए प्रीएम्बल को, तो वो हारमोनी बना रहेगा, ये उन्होंने लॉजिक दिया। अब देखेंगे ये पार्ट वाला मामला गया, पार्ट है अमेंड होगा पॉजिटिवली। अब आएंगे सेवन नंबर पॉइंट में लिख रखा है कि रिलीवेंस क्या है, तो ये यहाँ शुरू होगा एक के गोपालन, बेरूबारी और केशवानंद, ऊपर में एक गोपालन नहीं था, अब यहाँ पर एक गोपालन 1950 में ही शुरू हो जाएंगे। प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ प्रीएम्बल, तो ये प्रोविजन प्रोविजन की बातें चल रही, तो प्रोविजन को इन द लाइट ऑफ प्रीएम्बल इंटरप्रेट करना है, और इन केस ऑफ एम्बिग्यूटी प्रीएम्बल कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ असेंबली, चलेगा। बेरूबारी भी उसी तरह चल रहे हैं, प्रीएम्बल इज की टू अनलॉक माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंपॉर्टेंट वेयर देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी, वहाँ तो इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। केशवानंद भारती भी उसी लाइन पर चल रहे हैं, कोई उस लाइन को तोड़ नहीं रहा, कॉन्स्टिट्यूशन टू बी इंटरप्रेटेड इन द ग्रैंड विजन ऑफ द प्रीएम्बल, तो कीवर्ड ऐसे है कि केशवानंद भारती आते ही ग्रैंड विजन हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उसके पहले एक को पार्ट बोला लाइट ऑफ प्रीएम्बल और माइंड ऑफ असेंबली, बेरूबारी बोला अनलॉक द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वही वाला बात रहा जहाँ लैक ऑफ क्लैरिटी रहेगा दिखाएगा, केशवानंद भारती बोलते बोले बहुत मजा आ रहा है ग्रैंड विजन ऑफ प्रीएम्बल है, बढ़िया है। नेचर ऑफ स्टेट इन प्रीएम्बल, अब देखेंगे कि प्रीएम्बल में तो ये दो इश्यू सोल्व हो गया, रिलीवेंस और अमेंडेबिलिटी पार्ट, अब देखेंगे कि नेचर ऑफ स्टेट इन प्रीएम्बल क्या दिया है, तो सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अल्टीमेट आइडिया है टू सेफ गार्ड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, टू सेफ गार्ड ह्यूमन डिग्निटी, सोसाइटी बेस्ड ऑन जस्टिस ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल जस्टिस, तीनों जस्टिस की बातें कर रखा है हम लोगों ने, तो अब ये चीज़ देखेंगे कि इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स जो आता है 1966 के आसपास, उसमें बाद में इसे राइट्स की तरह दिखाया जाता है, लेकिन हमारे पास जस्टिस का आइडिया था सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल तीनों, प्रोवाइड लिबर्टी इक्वालिटी टू एवरी सिटीजन एंड नॉन सिटीजन को भी दिखाते हैं, लिबर्टी इक्वालिटी देते हैं सिटीजन एंड सिटीजन को, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कलर सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ एंड रिलीजन, लिबर्टी इक्वालिटी का। सेकुलर स्टेट है डिस्टिंग्विशेज इट फ्रॉम पाकिस्तान स्टेट, तो पाकिस्तान से हम लोग ये अच्छा खासा प्रीएम्बल से ही डिफाइन हो जाता है, आइडिया ऑफ इंडिया इसको बोल सकते हैं, प्रीएम्बल से निकाल सकते हैं, जिसमें कि शशि थरूर बोल रहे थे कि टिल इंडिया आइडिया ऑफ इंडिया विल बी देयर, स्पिरिट ऑफ इंडिया रहेगा तब तक पाकिस्तान हम लोग का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनका स्पिरिट ऑफ पाकिस्तान कुछ है ही नहीं, आइडिया ऑफ पाकिस्तान। और सुनील खिलनानी भी बोल रहे थे कि आइडिया ऑफ इंडिया रहेगा तो जब तक रहेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सब देख रहे हैं प्रीएम्बल में सब है, आइडिया ऑफ इंडिया को आप प्रीएम्बल से जोड़ सकते हैं अच्छे से। सुभाष कश्यप का व्यू है
पालखी वाला का, पॉल ब्रास का डेमोक्रेसी देखेंगे। तो सुभाष कश्यप बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज वेरी यूनिक डॉक्यूमेंट है, इट कांट बी फिटेड इन एनी पार्टिकुलर मोड और मॉडल, इट इज ब्लेंड ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल फेडरल एंड यूनिटरी प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री, शानदार मिक्सचर है। किसी आप एक पर्टिकुलर मॉडल में नहीं डाल सकते, ये कम्युनिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सुभाष कश्यप बोल रहे हैं। एन पालखी वाला बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फेल्ड द पीपल बट द चूजन रिप्रेजेंटेटिव हैव फेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। पालखी वाला का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने पीपल को नहीं फेल किया, लेकिन पीपल ने भी नहीं फेल किया, उन्होंने बोला है कि चूजन रिप्रेजेंटेटिव हैव फेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यानी वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पर ब्लेम डाल रहे हैं। पॉल ब्रास बोल रहे हैं इंडिया डेमोक्रेसी ओनली इन कन्वेंशनल मैनर, कन्वेंशनल मैनर डेमोक्रेसी, या बोल सकते हैं कि आप सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी नहीं है, फॉर्मल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इन इंडिया क्या है, सर्वे बाय इकोनॉमिक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट बोला कि रिपोर्ट है स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन वर्ल्ड 2018 का है डाटा, अभी तो अपडेट करना पड़ेगा कि उनका वो रैंक दे रखा है उन्होंने इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का। आज के समय भी रैंक कुछ गिरा था तो अभी याद नहीं है, यदि अपडेट हो जाए तो ठीक है। और ये हर रिपोर्ट में ना इनका जो रीजन देते हैं, जैसे 4th पॉइंट में रीजन रखा है फॉर द ड्रॉप इज कंजर्वेटिव रिलीज, वो हर बार में वो चेंज होता रहता है, इसलिए वो भी गया। लेकिन यदि 2018 का रिपोर्ट लिखते हैं तो उसमें ठीक तो अच्छा तो नहीं लग रहा लिखने का। अभी 53 रैंक है इसकी 2021 में, और फ्लॉड डेमोक्रेसी है इंडिया। फ्लॉड, हाँ फ्लॉड कैटेगरी, ये चार कैटेगरीज में ना, उनमें से फ्लॉड कैटेगरी में है और 53 रैंक है इसका अभी 2021 में। अब काउज दिया रहता है उसमें कि क्या किस कारण, आई थिंक 57 हो गए हैं। अर्नेस्ट बार्कर इसको बोलते हैं इट्स अ की नोट टू कॉन्स्टिट्यूशन, एंड एन ए पालकी वाला बोलते हैं इट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं भी अगर यूज कर सकते हो तो अपने हिसाब अच्छी लाइन। बिल्कुल बिल्कुल, फिर से बोलूंगा एक बार, आई थिंक ग्रुप में डाल देता हूं, ग्रुप में डाल, लक्ष्मीकांत में लिखी हुई है मतलब एक और तक फोटो खींच के। ठीक है, ओके ओके। के एम मुंशी का होरोस्कोप है, पालकी वाला का आइडेंटिटी कार्ड है, बारकर का की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस पे आते सेक्युलरिज्म पे। सेक्युलरिज्म जो है इसका इंट्रोडक्शन रेडीमेड है। सेक्युलरिज्म इज अ कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट, यूरोपियन इन ओरिजिन, यूरोप में भी इट वाज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ 30 इयर्स वार। तो ये हो गया चाइल्ड ऑफ क्रिश्चियनिटी, आपस में लड़े और फिर निकाल लाए। प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्निटी, फिर रिफॉर्म इन क्रिश्चियनिटी आया प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, तो कैथोलिक को प्रोटेस्ट करते रहे, रिफॉर्म लिया प्रोटेस्ट कर कर। रोलिंग बैक ऑफ रिलीजन फ्रॉम पब्लिक स्फेयर, बिल्कुल सही है वहाँ का, कंस्ट्रेनिंग इट टू पर्सनल स्फेयर, रोलिंग बैक ऑफ रिलीजन फ्रॉम पब्लिक स्फेयर इज कॉल्ड सेक्युलराइजेशन। उनका वो कहना ही था कि सेकुलराइजेशन हो गया। टी एन मदान बोलते हैं सेकुलराइजेशन इज प्री क्वेश्चन फॉर द सक्सेस ऑफ सेकुलरिज्म, यानी इनके कहने का मतलब है कि पब्लिक स्फेयर से रिलीजन का रोलिंग बैक इज प्री क्वेश्चन फॉर द सक्सेस ऑफ सेकुलरिज्म। Hence, politics and state in South Asia may not remain secular, यदि इस कॉन्सेप्ट से देखे तो। और इधर है
सेक्युलरिज्म एज चाइल्ड ऑफ मॉडर्निटी, न्यू बेसिस ऑफ सॉलिडरिटी वाज रिक्वायर्ड, हेंस नेशनलिज्म एंड नेशंस इमर्ज्ड. तो जर्मन, फ्रेंच, ब्रिटिश, पोलिश ये सब आए. हेंस इन यूरोपियन कंट्रीज सेकुलर नेशनलिज्म बिकेम द बेसिस. वो रिलीजन को पर्सनल स्पेयर में ले गए और सेकुलर नेशनलिज्म जो जो सॉलिडरिटी का आधार लाया नेशन स्टेट, और उन्होंने अपना एथनिक आइडेंटिटी को पकड़ा. राइज टू टू प्रैक्टिसेस, यूनिवर्सल सिटीजनशिप यानी कि सबको मिलेगा जो आगे उस इलाके में, और UCC यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल कोड सब पे लागू होगा कानून. डेमोक्रेसी राइट्स लिबर्टी क्वालिटी जस्टिस ह्यूमन डिग्निटी आर ओवरलैपिंग कंसेप्ट विथ सेकुलरिज्म. वो इससे ओवरलैप होता रहता है इतने सारे कंसेप्ट. इंगेज्ड इन द आइडियाज ऑफ मैकियावेली, इमर्ज्ड इन द आइडियाज ऑफ मैकियावेली हु सेपरेटेड स्टेट फ्रॉम चर्च. यदि थियोरेटिकली देखें तो मैकियावेली ने सेपरेट किया था चर्च को. हॉब्स ने बोला चर्च सबऑर्डिनेट टू स्टेट है लेकिन सेपरेट नहीं किया. जॉन लॉक ने बोला प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेशन रिलीजियस फ्रीडम. तो ये फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम, टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, वो हमारे हिसाब से चलता है इंडिया के साथ. आर्टिकल 27 में बोल रहा है पॉलिसी ऑफ इक्विडिस्टेंस है. स्टेट वॉन्ट इंटरफेयर बिटवीन इंडिविजुअल एंड रिलीजन, रिलीजन वॉन्ट मैटर वेन डीलिंग बिटवीन स्टेट एंड इंडिविजुअल. यानी हम लोग स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में रिलेशन में हम नहीं घुसेंगे. रिलीजन नहीं आएगा और इंडिविजुअल रिलीजन के बीच में हम नहीं आएंगे. सब अपना अपना करते रहो. नेगेटिव सेकुलरिज्म है क्योंकि स्टेट नॉट अलाउड. जहाँ स्टेट घुसा वो पॉजिटिव कंसेप्ट हो जाता है. टाइप्स में देख रहे हैं तो नेगेटिव सेकुलरिज्म होगा स्टेट अब्सेंट है, पॉजिटिव में पॉलिसी ऑफ इक्विडिस्टेंस है. तो यहाँ पर यदि यहाँ पर देखा जाए तो पॉजिटिव सेकुलरिज्म को बोल रहे पॉलिसी ऑफ इक्विडिस्टेंस. इंडियन मॉडल में डी स्मिथ का कंसेप्ट आ रहा है. उन्होंने लिखा है बुक का नाम है इंडिया या सेकुलर स्टेट, 1962 में लिखे थे. डी स्मिथ बोलता है इंडिया आज फ्यू फीचर्स ऑफ सेकुलर स्टेट. इसेंशियल फीचर्स ऑफ सेकुलर स्टेट क्या होता है, पहले तो उन्होंने सेकुलर का इसेंशियल बताया. जैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंजॉयड बाई सिटीजन्स, यूनिवर्सल सिटीजनशिप एंड राइट टू इक्वालिटी, सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट. तो ये बोलते फिर खुद ही कि तीसरा जो दिया हूँ उस पर इंडिया में मिसिंग है, यानी सेकुलरिज्म में नॉट सर्वाइव. और वो प्रिस्क्राइब भी कर दिए कि फोरकास्ट कर दिए कि नहीं सर्वाइव करेगा. 80% आर हिंदू, जैन माइनॉरिटी हैव टू बी प्रोएक्टिव टू इंश्योर इंडियन स्टेट रिमेन्स सेक्युलर. तो उन्होंने माइनॉरिटीज को बोला कि वो माइनॉरिटी एज कस्टडियन ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म. ये फेमस स्टेटमेंट है कि जो भी डिसाइड होता है ना वो माइनॉरिटीज, वही वो बचा सकते हैं अपने आप को प्रोएक्टिव करके. मार्क ग्लैंटर चल रहे और ये भी प्रिस्क्राइब कर रहे समथिंग. एनालिसिस ऑफ इंडियन मॉडल हैज टू बी बेस्ड ऑन, नहीं रुकिए, डिस्क्राइब कर. एनालिसिस ऑफ इंडियन मॉडल हैज टू बी बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिकनेस ऑफ इंडियन मॉडल. अब जैसे कभी कभी ना फेडरलिज्म क्वासी फेडरलिज्म करते करते बोलते हैं ना इंडियन फेडरलिज्म यूनिक. तो यहाँ पर ये भी बोल रहे मार्क ग्लैंटर कि सेकुलरिज्म ऑफ इंडिया मॉडल जो है वो भी यूनिकनेस है, यूनिक है. अब इधर आते हैं हमारे प्रोफेसर राजीव भार्गव, पूरा सेकुलरिज्म के क्वेश्चन में आधा पार्ट ये ले जाते हैं. इंडियन मॉडल इज पॉलिटिकली निगोशिएटेड मॉडल. तो कैसे निगोशिएटेड है ये, पॉलिटिक्स कैसे, पॉलिटिकली कैसे निगोशिएट हुआ, क्योंकि ये रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल बारगेनिंग एंड हिस्टोरिकल सरकमस्टांसेज का है. तो ये बात है इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक्सपीरियंस के आधार पर ही हो रहा है. उसमें पॉलिटिकल बार्गेनिंग हुआ, हिस्टोरिकल सरकमस्टांसेज उन्होंने शो किया. कांग्रेस रिस्पॉन्स टू डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग, क्योंकि मुस्लिम लीग ने बोला कि कंट्राडिक्टरी कम्युनिटी है, कंट्राडिक्शंस है, कभी एक साथ हो नहीं सकता, इंटरडाइनिंग होगा नहीं, इंटरमैरिज मैरिज होगा नहीं. तो आइडिया ऑफ पाकिस्तान को जो दिया था रिलीजियस बेस्ड कंट्री, तो उसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस का रिस्पॉन्स था कि हम लोग यहाँ माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करेंगे. तो उस इस काउंटर के रिस्पॉन्स में एक प्रोडक्ट बना मुस्लिम लीग जस्टिफाइड फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ हिंद दैट हिंदूज विल डोमिनेट माइनॉरिटी एंड माइनॉरिटी विल बी फोर्स टू लिव अंडर हिंदू कस्टम एंड ट्रेडिशंस और हेंस कांग्रेस एश्योर्ड प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटीज इन इंडिया. तो स्टेट लेड तो हो नहीं था, पॉलिटिकली निगोशिएटेड हो नहीं था, हिस्टोरिकल कंडीशन हो गया है. तो हिस्टोरिकली फोर्स कंपेल्ड थे. फिर आइडियाज ऑफ पंडित नेहरू, गांधी एंड अंबेडकर हैव शेप्ड इंडियन मॉडल. तो उसमें भी इंडियन मॉडल में तीन आदमी का शेप किया. नेहरू का मॉडर्निस्ट थे, अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, बार बार बोलते हैं स्टेट को आना पड़ेगा, बीच में स्टेट को आना पड़ेगा, स्टेट लेड सोशलिज्म भी कह रहे थे. गांधी जी भी बोल रहे थे बढ़िया है सब चलो, लेकिन वो स्टेट का तो नहीं बोल रहे थे, लेकिन वो गांधी जी का मॉडल था सर्वधर्म संभाव वैष्णव जनतिर वो जो चल रहा था, तो वो था. नेहरू बिलीव्ड इन रिलीजियस न्यूट्रलिटी, आर्टिकल 15 में उन्होंने दे रखा है सबको ले जाओ. फिर गांधी जी का था कम्युनल हारमोनी,
नो सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, रिलीजन मीन्स एथिक्स। तो ये यूरोपियन सेकुलरिज्म से तो अलग होना ही था, गांधी जी का कंसेप्ट था कि सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स नहीं होगा। इम्फेसाइज ऑन द सर्वधर्म संभाव, आर्टिकल 25 सबको रखो। नीड टू प्रमोट स्पिरिट ऑफ टोलरेशन, ये जॉन लॉक वाला अंबेडकर का था। सेकुलरिज्म बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी से जुड़े वन मैन वन वोट वन वैल्यू, हेंस कॉन्स्टिट्यूशन। ये वेटेड वोट को उन्होंने काउंटर किया ताकि इनइक्वालिटी ना रहे। हेंस कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज टू माइनॉरिटीज मिला, तो हम लोग बोलेंगे ग्लैंटर का जो उनका डी ई स्मिथ का कस्टोडियन ऑफ माइनॉरिटी, तो हम लोग उससे तो डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, लेकिन ठीक है माइनॉरिटीज को गारंटी दिए 29-30 में, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। इंडियन मॉडल इज प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल है। देखिए वहाँ पर पहला पॉइंट था पॉलिटिकली नेगोशिएटेड, तो उसका ये एक्सप्लेनेशन था। अब है राजीव भार्गव का दूसरा कॉन्सेप्ट कि प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल है, तो बोला क्या है, नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, डिफरेंट लेवल ऑफ इंटरफेरेंस तो हो ही जाता है डिफरेंट रिलीजन से। जैसे कि स्टेट कैन रिफॉर्म हिंदू रिलीजन आर्टिकल 25 दो, वेयर इज नो रूल फॉर इंटरफेरेंस इन मुस्लिम और क्रिश्चियन, पर्सनल लॉ बोर्ड को अलाउ कर देते हैं, ईसीसी का डिबेट घुसता है। फिर उन्होंने तीसरा कंसेप्ट दिया है राजीव भार्गव ने, सेवन फीचर्स ऑफ इंडियन मॉडल, उसमें 7 पॉइंट देखेंगे। और स्टेट इज नॉट आइडेंटिफाइड बाय पार्टिकुलर रिलीजन, जैसे कि अपन बुद्धिस्ट स्टेट है, मुस्लिम स्टेट है, पाकिस्तान रियासत मदीना हो गया। स्टेट इज नॉट आइडेंटिफाइड पार्टिकुलर रिलीजन बट स्टेट नॉट अगेंस्ट पब्लिक कैरेक्टर ऑफ रिलीजन, जैसे पूजा ड्यूरिंग ओपनिंग ऑफ ब्रिज, यहाँ तक कि हमारे जैसे तेजस फाइटर प्लेन आए या नेवल शिप भी जो कमीशन होते उस टाइम भी ना पूजा होता है, नारियल फोड़ते हैं। तो अब जैसे तेजस आया था तो उसमें चारों धर्म के मतलब शिक्षक आए और चारों ने अपना अपना पूजा किया। तो स्टेट इज नॉट आइडेंटिफाई पर्टिकुलर रिलीजन से आइडेंटिफाई तो नहीं होता, लेकिन वो अगेंस्ट पब्लिक करेक्टर ऑफ रिलीजन भी नहीं, रिलीजन का पब्लिक करेक्टर दिखा सब कुछ। चलो नो स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, इधर पोरस बाउंड्रीज है, इधर से उधर हो ही जाता है। फिर नो एक्टिव डिफरेंस होस्टिलिटी, कोई मतलब एक्टिव एजेंडा नहीं है, कोई कॉन्सियस एजेंडा नहीं है कि उसको ये कर देंगे चुप रहेंगे तो चुप रहेंगे, और होस्टिलिटी है हम उसको हटा देंगे निकाल देंगे, जैसे श्रीलंका वगैरह में होता था तमिल वगैरह, तो उससे वैसा नहीं है इंडिया। फिर थ्री बेसिक मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म है, एक तो है कि फ्रांस वाला स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी नहीं है तो नहीं है। दूसरा अल्ट्रा प्रोसीजरल, प्रोसीजर पर फोकस करें, यूएसए फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट कान डिक्लेयर एनी रिलीजन ऑफिशियल, तो डिक्लेयर कर ही नहीं सकते। तीसरा है सब्सटेंटिव मॉडल, उसमें बेस्ड ऑन वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी लिबर्टी फ्रेटर्निटी इक्वालिटी, ये इंडिया वाला है, सब कुछ देंगे सब कुछ देंगे, ठीक है देखेंगे, बढ़िया आइडिया मजा। तो प्रोसीजरल सब्सटेंटिव और वो पहला क्या था स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी। कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट है फिर इंडिया का जो सेकुलरिज्म है, पांचवा पॉइंट बोल रखे कि कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है, पॉलिटिकली नेगोशिएटेड है। उन्होंने देखिए हमारे कॉन्टेक्स्ट ही अलग था तो हमारा आइडिया लगा गया पॉलिटिकल नेगोशिएटेड, और नॉट बेस्ड ऑन एनी ओवर आर्किंग आइडिया, इट इज अपॉर्चुनिस्टिक। तो अब यहाँ पर भी दिख रहा ठीक है ओवर आर्किंग आइडिया नहीं है कि हम लोग बहुत बढ़िया समाज बना रहे थे इसलिए हमने सेकुलरिज्म को लाया, हम लोग ये कर रहे थे इसलिए लाया, मॉडर्न बनना चाहते थे इसलिए सेकुलर बन गए, नहीं ये अपॉर्चुनिस्टिक था। तो अपॉर्चुनिस्टिक था, अपॉर्चुनिटी मिला मानकर मतलब कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी था कि पाकिस्तान के आइडिया को काउंटर करना था, हिस्टोरिकल ही है कॉन्टेक्स्ट, तो उनको अपॉर्चुनिटी देखा काउंटर किया और अपना मॉडल पेश कर दिया कि चलो ठीक है माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करेंगे तो इंडिया एक बढ़िया एक कॉन्फिडेंस अति रिलीजियस इंटीग्रेशन होगा। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा कि इंडियन स्टेट में सिम्बल्स में है बुद्धिज्म प्रिविलेज, जैसे कि अशोक चक्र है, और यदि प्रेसिडेंट जो इन्वेस्टिचर सेरेमनी करते हैं ना अवार्ड फंक्शन अवार्ड वाला सेरेमनी, तो उसमें उनके जस्ट पीछे जो है गौतम बुद्ध का ही वो पोर्ट्रेट लगा हुआ पोर्ट्रेट। तो स्टेट सिंबल्स है बुद्धिज्म प्रिविलेजेस, अशोक स्तंभ जो भी ले लीजिए। अब हमारे जो इंडियन मॉडल के बारे में जितना इन्होंने बताया एनालाइज किया है भार्गव जी ने, तो उनका क्रिटिसिज्म आडवाणी करते वो कांग्रेस मॉडल को क्रिटिसाइज करते हैं, एक्चुअली वो फोकस करते प्रॉपरली और उनको बोलते हैं सीडो सेकुलर है। आडवाणी के से ही उनका एक कॉन्सेप्ट क्लियर आगे बढ़ गया ये, फिर बेस्ड ऑन माइनॉरिटी अपीजमेंट, तो बोला सीडो सेकुलर है क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन माइनॉरिटी अपीजमेंट, उनको उन कीवर्ड दे दिया सीडो सेकुलर माइनॉरिटी अपीजमेंट। फिर अरुण सौरी आएंगे, फिर बोलेंगे देयर शुड नॉट बी राइट्स बेस्ड ऑन रिलीजन, कि रिलीजन बेस्ड राइट्स नहीं होने चाहिए। हिंदू राइटिस्ट ऑल्सो बिलीव दैट फेलियर टू ब्रिंग यूसीसी जो है और वो स्पेशल राइट्स टू माइनॉरिटी है प्रिवेंट देयर इंटीग्रेशन, तो स्पेशल राइट्स क्या दे रखा है जैसे कि माइनॉरिटी को, तो आर्टिकल 29-30 है,
फिर ये पर्सनल लॉ बोर्ड्स है सबके अपने अपने, फिर पर्सनल लॉज हैं, बोर्ड तो इनका है मुस्लिम का दिखता है। प्रताप भानु मेहता आएंगे, ये राजीव भार्गव के पॉइंट को ये बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल इज एसिमेट्रिकल, कुछ तरफ ज़्यादा डिस्टेंस ले लेते हैं, कुछ समय कम ही डिस्टेंस मेंटेन करता है, नज़दीक आ गया। रेशनल ओनली इन थ्योरी, रेशनल दिख रहा है कि ये नहीं ऐसे होना चाहिए, होना चाहिए, थ्योरी में प्रैक्टिस में तो कई जगह घुस जाते हैं, जैसे कि अब एज एग्जाम्पल लिख सकते कि नहीं ये नहीं कर सकते, लेकिन कावरिया पे फूल बरसाना ये सब दिखाता है थोड़ा। लेजिटिमाइजेज वोट बैंक पॉलिटिक्स विथ डिस्टिंक्टिव नेम, वोट बैंक पॉलिटिक्स विथ डिस्टिंक्टिव, उसको नाम ही अलग दे, सेक्युलरिज्म शैडो सेक्युलरिज्म ये बोल बोल के वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे सब, उसको लेजिटिमाइज कर दिया। ये और उधर भी सेकुलर हैं, अपीजमेंट कर करके पॉलिटिक्स को माइनॉरिटी वोट को वो ले रहे, तो उन्होंने लेजिटिमेसी दे दिया वोट बैंक पॉलिटिक्स को, नाम दे रखा है सेकुलर शैडो सेकुलर। इट इज कास्टिंग सेकुलरिज्म टू हाइड कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म को हाइड करने के लिए सेकुलरिज्म का नाम देते हैं, सब कम्युनलिज्म एजेंडा को फैन कर रहे हैं लेकिन नाम दे रहे हैं कि ये सेकुलरिज्म से फाइट कर रहा हूँ, ये सीडो सेकुलरिज्म इसलिए फाइट कर रहा हूँ, वो सेकुलरिज्म से फाइट कर रहा हूँ, ये एंटी सेकुलर, उस मतलब कि कम्युनलिज्म के सेकुलरिज्म के नाम पर कम्युनलिज्म का एजेंडा चला रहे हैं। लीड्स ऑल कम्युनिटीज इनसिक्योर ऑल द टाइम, सभी को इनसिक्योरिटी है, माइनॉरिटी को इनसिक्योरिटी है, मेजोरिटी को इनसिक्योरिटी है, यानी ये पॉलिटिक्स के आधार पर हुआ होगा, प्रताप भानु मेहता का ही कहना है। रोमिला थापर का भी कॉन्सेप्ट आता है इसमें सेकुलरिज्म में, जो कि खुद मार्क्सिस्ट हैं, उन्होंने बोला है कि प्रेजेंट मॉडल इज वीक मॉडल, फेल्स टू काउंटर कम्युनलिज्म, तो अभी जो प्रताप भानु मेहता ऊपर उठा रहे थे तो इन्होंने ये बोला उसी तरह से कि कम्युनलिज्म को काउंटर नहीं कर पा रहा, हेंस बोल्ड मॉडल इज नीडेड। कैसा बोल्ड मॉडल है आई एम, तो ठीक है वो देखते पता नहीं, बोल्ड या तो हो सकता है बोल रहा है स्टेट शुड इंटरवीन या जो भी, तो जो भी उन्होंने बोल दिया प्रेजेंट मॉडल इज वीक और काउंटर कम्युनलिज्म नहीं कर पा रहा। आशीष नंदी जो है नियो गांधीयन है, वो एन वहाँ उनका छूट गया है, नियो गांधीयन है, नव गांधी वादी, तो सेकुलरिज्म इज माइंडलेस इम्पोर्ट फ्रॉम वेस्ट, तो चूंकि गांधी जी सेपरेट तो कर नहीं रहे थे रिलीजन को पॉलिटिक्स से, इन्होंने बोला कि तो माइंडलेस इम्पोर्ट है कैसे, तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है टेक्निकली एंटी सेकुलरिस्ट मैनिफेस्टो, तो इसमें हम देखेंगे एंटी सेकुलरिस्ट मैनिफेस्टो न्यू गांधीयन आशीष नंदी का है, देयर शुड बी एक्टिव डायलॉग बिटवीन रिलीजन, ये भीकू पारिक का एक्टिव डायलॉग बिटवीन सिविलाइजेशन जैसा है कि एक्टिव डायलॉग बिटवीन रिलीजन होना चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड प्रमोट रिलीजियस एजुकेशन होना चाहिए, पीपल शुड कम टू नो व्हाट इज देयर इन द रिलीजन होना चाहिए, तो ये गांधी जी भी बोल रहे थे कि पॉलिटिक्स और रिलीजन को जोड़ दो, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि रिलीजियस एजुकेशन दो, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एजुकेशन देगा तो ठीक है, उनका वो एक्टिव डायलॉग होगा, सब जानकारी रखेंगे तो मिसलीड नहीं होंगे, इनका कॉन्सेप्ट ये था एंटी सेकुलरिस्ट मैनिफेस्टो। अचिल विनायक और अखिल पिलग्रामी, इन्होंने नंदी को बोला कि वो नॉस्टैल्जिक है, ये थोड़ा मतलब उनको याद आ रहा है, विल कंट्रीब्यूट टू मोर कम्युनलिज्म, इसे करेंगे तो और कम्युनलिज्म बढ़ जाएगा, लैक ऑफ कंसेंसस ऑन व्हाट मॉडल शुड बी फॉलोड, कोई कंसेंसस नहीं है कि कौन सा मॉडल हो, राजीव भार्गव लास्ट में बोल देते हैं इंडियन सेकुलरिज्म कंटिन्यूज टू बी मिसअंडरस्टूड, तो ये सब ये लास्ट वाला जा सकता है राजीव भार्गव की, जो भी हो इंडियन सेकुलरिज्म कंटिन्यूज टू बी मिसअंडरस्टूड, और ये है कि हर कोई अपना अपना इंटरप्रिटेशन दे रहा है। उसके पहले है कि इंदिरा गांधी जी का था उनका कि सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, क्योंकि इन्होंने डाला था 1926 में 42nd अमेंडमेंट में प्रीएम्बल में, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी आर ट्विन पिलर्स ऑफ आवर स्टेट द वेरी फाउंडेशन ऑफ आवर सोसाइटी, तो इन्होंने स्टेट से भी जोड़ा कि स्टेट का पिलर है सोसाइटी का फाउंडेशन है। आर जगन्नाथन ने बोला टेम्पल्स फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल शुड बी फ्रीड, अच्छा ये तो अभी चल रहा है उत्तराखंड में थोड़ा सा, टेम्पल्स फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल शुड बी फ्रीड। फिर राजीव भार्गव बोलते हैं कि इन स्पिरिचुअल एक्सरसाइज देयर वॉज नो रीजन फॉर द गवर्नमेंट टू इंटरफेयर, रिलीजन शुड लीव द स्टेट अलोन, सही इन्होंने बोला कि स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज में कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने का कोई तुक नहीं बनता, और उधर से शायद बोल रहे हैं कि रिलीजन को स्टेट को छोड़ देना चाहिए, रिलीजन भी स्टेट के चक्कर में ना पड़े कि ये करो वो करो अपना अपना देखो, तो ओवरऑल राजीव भार्गव तो टोन सेट करते हैं डी ई स्मिथ और ग्लांटर, राजीव भार्गव उसको एकदम बॉडी बनाते हैं,
फिर बीच में आते हैं मार्क्सिस्ट में आ गए अपना ये रोमिला थापर, ये नंदी आ गए, और ऊपर में फिर अपना प्रताप भानु मेहता भी बोलते रहते, काउंटर में अडवाणी जी हैं, अरुण शौरी जी हैं, प्रताप भानु मेहता तो राजीव भारे के मॉडल को ही काउंटर करेंगे। इसको समराइज करेंगे दृश्यम सर? हाँ हाँ कर लेता हूँ, एक सेकंड जी। ठीक है, तो हम देख रहे थे सेक्युलरिज्म, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन में आता है कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट है, यूरोपियन ओरिजिन का है, चाइल्ड ऑफ क्रिश्चियनिटी बोलते हैं, एंड ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्निटी। क्यों? क्योंकि यूरोप में स्टेट इंटरफेयर कर रहा था रिलीजन में बहुत ज्यादा, जो रोलिंग बैक ऑफ रिलीजन होना चाहिए था उस टाइम पे, जिसको बोलते हैं सेकुलराइजेशन। इयान मदान बोलते हैं सेकुलराइजेशन इज प्रीरिक्विजिट फॉर सक्सेस ऑफ सेक्युलरिज्म, तो इसीलिए साउथ एशिया मे नॉट रिमेन सेक्युलर। फिर इसको चाइल्ड ऑफ मॉडर्निटी कैसे एक्सप्लेन करा है उसको, ठीक है, बाकी तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है मेरे को इसमें कुछ। डेमोक्रेसी, राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब ओवरलैप कर रहा है सेक्युलरिज्म से। प्रोमिनेंट स्कॉलर जो है आइडियाज ऑफ मैक्यूली बोल सकते हैं, जिसने सेपरेट करा था चर्च को स्टेट से। हॉब्स ने आइडिया थोड़े पहले दिया था, चर्च शुड बी सबॉर्डिनेट टू स्टेट। जॉन लॉक गिव द प्रिंसिपल्स ऑफ टॉलरेशन एंड रिलीजियस फ्रीडम। ये मतलब दो तीन स्कॉलर्स अपन थोड़ा लिख सकते हैं सो दैट स्कॉलरली व्यू आ जाए इसमें। इसके अलावा आर्टिकल 27 में हम इंडिया फॉलोज मॉडल ऑफ इक्विडिस्टेंस, ठीक है। फिर अच्छा, टाइप्स ऑफ सेक्युलरिज्म में थ्री डिफरेंट टाइप्स है, निगेटिव, पॉजिटिव एंड इंडियन मॉडल। निगेटिव में क्या है कि स्टेट कंप्लीटली एब्सेंस है, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म में पॉलिसी ऑफ इक्विडिस्टेंस है, और इंडियन मॉडल पॉजिटिव के नियर बाय है, बट फिर भी स्कॉलर्स के बहुत सारे अलग अलग ओपिनियन है। अच्छा, इसमें है डी ई स्मिथ, उनका बुक है अ सेक्युलर स्टेट 1962, इंडिया अ सेक्युलर स्टेट 1962, ये बुक है डी ई स्मिथ का, ठीक है। तो इसमें इंडिया के पास कुछ फीचर्स है सेक्युलरिज्म वाले, जैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंजॉय करते हैं, यूनिवर्सल सिटीजनशिप है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन स्टेट है। हाउएवर थर्ड फ्यूचर इज मिसिंग इन इंडिया, हेंस सेक्युलरिज्म मे नॉट सर्वाइव। एंड फिर बोलते हैं कि माइनॉरिटीज आर कस्टोडियन ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। अच्छा, फिर मार्क गैलेंटर है कि इंडियन मॉडल इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड यूनिकनेस, इट हैज टू बी बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड यूनिकनेस, ठीक है, कुछ काम करने देते हैं। फिर राजीव भार्गवा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर, इसमें उनको वो कहते हैं कि पॉलिटिकली निगोशिएटेड मॉडल है। अच्छा, ये प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल कौन देता है? यही देंगे, आगे आगे मिलेगा इनका तीसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा। तो पहले वो बोल रहे हैं कि हाँ हाँ ठीक है, तो पहले वो बोल रहे हैं कि भाई पॉलिटिकली निगोशिएटेड मॉडल है, क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल बार्गेनिंग हो रही थी मुस्लिम लीग की एंड कांग्रेस की, या फिर हिंदूज की उस टाइम पे, तो इसीलिए मिडिल पाथ निकाल के पॉलिटिकल निगोशिएटेड मॉडल ले लिया कांग्रेस ने। फिर यहाँ पे नेहरू गांधी इसका कंपेरिजन दिया अम्बेडकर का, तो नेहरू बिलीव्ड इन रिलीजियस न्यूट्रलिटी, गांधी बिलीव्ड इन कम्युनल हारमोनी, बट नो सेपरेशन ऑफ रिलीजन, पॉलिटिक्स, इथिक्स, उनके लिए सब कुछ सेम ही था। सर्वधर्म संभव आर्टिकल 25, टॉलरेशन भी था। फिर अम्बेडकर बोलते हैं कि सेक्युलरिज्म इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यू, डेमोक्रेसी, वन मैन वन वोट वगैरह। फिर सेकेंड पॉइंट में बोला है राजीव भार्गवा ने कि इंडियन मॉडल इज प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल, तो वही मतलब जो अपन को समझ आता है मीनिंग इक्वल से इक्विडिस्टेंस। फिर सेवन फ्यूचर्स उन्होंने दिए हैं, जो कि आई थिंक इसमें थ्री बेसिक मॉडल सेक्युलरिज्म के थे, स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी फ्रांस में है, अल्ट्रा प्रोसीजर यूएसए में है, एंड सब्सटेंटिव मॉडल है जो कि बेस होता है डेमोक्रेसी, लिबर्टी, ये सब वैल्यूज पे। लेकिन इंडियन मॉडल वो कहते हैं कि कंटेक्स्ट स्पेसिफिक है, या फिर पॉलिटिकल निगोशिएटेड है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी ओवरऑल आइडिया, अपॉर्चुनिस्टिक मॉडल है। अडवाणी बोलते हैं कि सूडो सेक्युलर मॉडल है कांग्रेस के मॉडल को, बेस्ड ऑन माइनॉरिटी अपीजमेंट, ठीक है। अरुण शौरी जो है बोलते हैं कि जो राइट्स देते हैं अपन, दैट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन रिलीजन, तो वही माइनॉरिटी अपीजमेंट वाला पॉइंट ही अरुण शौरी का भी है।
प्रताप बहनो मेहता ने बोला कि असिमेट्रिकल है, लेजिटिमाइज करता है वोट बैंक पॉलिटिक्स को, थियोरी में अच्छा है सिर्फ, एंड वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू हाइड कम्युनलिज्म। फिर इसके वजह से क्या होता है, ऑल कम्युनिटीज आर इनसिक्योर ऑल द टाइम, ये बोलते हैं प्रताप भानु मेहता। ठीक है, रोमिला थापर बोलते हैं कि वीक मॉडल है, वी नीड अ बोल्ड मॉडल। प्रोफेसर आशीष नंदी है नियो गांधीयन, रोमिला थापर मार्क्सिस्ट थे, इन्होंने बोला है कि माइंडलेस इम्पोर्ट फ्रॉम द वेस्ट है, एंटी सेक्युलरिस्ट मैनिफेस्टो एक्चुअली, वी नीड एक्टिव डायलॉग। फिर राजीव भार्गव ने बोला है कि इंडियन सेक्युलरिज्म कंटिन्यूज टू बी मिसअंडरस्टूड। इंदिरा गांधी बोलते हैं ट्विन पिलर्स है स्टेट के, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, एंड इट दे आर द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। आर जगन्नाथन कोई है, ही सेज टेम्पल्स को दूर रखो गवर्नमेंट से। राजीव भार्गव बोलते हैं इन स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज देर इज नो रीजन फॉर गवर्नमेंट टू इंटरफियर, रिलीजन शुड लीव स्टेट अलोन। मतलब दोनों भी है, मतलब इंटरचेंजली। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम एग्जांपल भी डाल सकते हैं, तमिलनाडु में मूवमेंट चल रहा है टू फ्री द टेंपल्स फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, वहाँ उत्तराखंड में भी चल रहा है, आर्गुमेंट रख सकते हैं हम। अभी अपन ऊपर भी देख रहे थे जब अंबेडकर का एक स्टेटमेंट लिखा था कि आई शैल बी द फर्स्ट पर्सन टू बर्न द कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी माइनॉरिटीज के राइट को के रिगार्डिंग था। वो बोल रहे थे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज के राइट की सही बराबर जगह नहीं होगी तो देन आई शैल बी द फर्स्ट पर्सन टू बर्न द कॉन्स्टिट्यूशन। अपन यहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं, जैसे अभी अपन ने देखा कि माइनॉरिटीज आर द कस्टोडियन ऑफ द सेक्युलरिज्म इसमें। बेसिक स्ट्रक्चर किया जाए या टाइम को देखा जाए? हेलो, हाँ कह रहे हैं, कह रहा हूँ कि सर कि बेसिक स्ट्रक्चर को किया जाए या टाइम को देखेंगे? टाइम हो गया, 9:30 को अपन चालू करते हैं अगला वाला सेशन, अभी फिलहाल बस कर देते हैं। हाँ, ये भी 15 मिनट में।